द अकाउंटेंट 2016 मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। द अकाउंटेंट 2016 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कोविनो ओनर्स द्वारा निर्देशित, बिल डेब्यू द्वारा निर्देशित और लिखित बेन फ्लेक्सी, अन्ना केड्रिक, जेके सिम्स, जोन बर्थमल, शिंथिया एडाई रॉबिन्स, फ्री टैम्बोर और अभिनी जोन लेते हुए। कहानी क्रिश्चियंस वॉल्फ का अनुसरण करती है, जो उच्च कार्यशील आत्म केंद्रित के साथ एक प्रामाणिक सार्वजनिक लेखाकार है, जो अपने जीवन को दुनिया भर में अपराधी को, आतंकवादी संगठनों को, पुस्तकों को कच्चा बनाता है, जो अनुभव कर रहे हैं आंतरिक गबन। इस फिल्म के निर्देशक हैं गोविन ओकानर। यह फिल्म बिल डेब्यूक द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है लिनेट हॉवेल, टेलर मार्क विलियम्स ने, और इस फिल्म में अभिनय किया है बेन अफ्लेक, अन्ना केंद्रिक, जेके सिमोस, जोन बर्नथल, जेफ्री टैम्बोर, जोन लिथिगो। इस फिल्म में छायाकान किया है शीमस मैकॉर्वे। यह फिल्म संपादित है रिचर्ड पियर्सन्स के लिए। इस फिल्म को संगीत दिया है मार्क इशम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां इलेक्ट्रिक सिटी एंटरटेनमेंट्स, रेड पेक ड्यून एंटरटेनमेंट्स, शून्य गुरुत्वाकर्षण प्रबंधक हैं। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2016 रहा है, 14 अक्टूबर 2016 अमेरिकी राज्य में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 128 मिनट्स रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट की गई है। ये भाषा से अंग्रेजी में इस फिल्म का बजट 44 मिलियंस रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इसका बजट 155.2 मिलियन रहा है। 10 अक्टूबर 2016 को लॉस एंजेलिस में द अकाउंटेंट का प्रीमियर हुआ है, जो 14 अक्टूबर 2016 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया है। आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षा प्राप्त करते हुए फिल्म ने दुनिया भर में 155 मिलियन की कमाई की है, जिससे एफलेक के प्रदर्शन को एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट टेक्निक से लॉर्ड की विशेषता वाले एक्शन सीक्वेंस के लिए प्रशंसा मिली है। क्रिश्चियंस वॉल्फ एंड युवा ऑप्टिस्टिक व्यक्ति है। उसकी मां उसे एक उपचार केंद्र हार्बर्स न्यूरोसाइंस में भेजना चाहती है, लेकिन उसके पिता उससे सहमत नहीं है। ईसाई की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ उसकी माँ अपने परिवार को छोड़ देती है। उसके पिता ने उन्हें और उनके भाई बेक्सटन की विभिन्न मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। साथ ही ईसाई को खुद को प्रोत्साहन देने वाले के लिए प्रोत्साहित किया, जो उसे टोकने टालने के बजाय ट्रिगर करता है। वर्तमान में क्रिश्चियंस प्लैनफील्ड एनिलोइस में एक छोटा लेखा कार्यालय संचालित करता है, जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम्स के लिए फ्रंट के रूप में कार्य करता है। उनके अपराधी ग्राहक एक इनाम महिला के माध्यम से उनके संपर्क करते हैं, जो अपने व्यवसाय का आयोजन भी करती हैं। कंपनी के सीईओ ब्लैक लेमर्स तो अपनी बहन रीटा को लेखांकन अनियमितताओं के बारे में पता चलने के बाद क्रिश को फॉर लिविंग रोबोटिक्स पर आर्बिट्रेट करने के लिए काम पर रखा गया है। वे इन हाउस अकाउंटेंट टाइना कांग्रेस को वोल्ट की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं, क्योंकि उसने इस मुद्दे की खोज की है। इस बीच ट्रेजरी के निदेशक रे किंग मेरी बेथ मदीना नाम के एक डेटा विश्लेषण से मिलते हैं, जिसका एक किशोर के रूप में आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन वह अपने रोजगार आवेदन पर उसका खुलासा करने में विफल रही है। राजा मदीना को चेतावनी देता है कि अगर तुम जानकारी प्रकट करने का विकल्प चुन लेते हो तो उसे जेल का सामना करना पड़ेगा, और उस समय कुछ महीनों में राजा से सेवानिवृत्त होने से पहले वोल्फ को वास्तविक पहचान खोजने का कार्य सौंपता है। वोल्फ के कार्यालय का पता लगाने के लिए वह टैक्स रिकॉर्ड के पास किंग ऑफ प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करती है। वोल्फ एक रात में
कंपनी के एक दशक से अधिक वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करता है और पाता है कि 61 मिलियन का गबन किया गया है। वह रीटा को पूरी बात बताता है लेकिन स्वीकार करता है कि वह जानता है कि चोर कौन है। उस रात लिविंग रोबोटिक्स के CFO एड चिल्टन को एक हिटमैन ने अपने इंसुलिन की अधिक मात्रा देने के लिए मजबूर किया। अगले दिन लेमर ऑडिट के लिए वॉल्फ को अपने अनुबंध के बाकी पैसों का भुगतान करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। हिटमैन वॉल्फ को मारने का प्रयास करता है लेकिन वह उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लेता है। एक से पता चलता है कि दाना अगला लक्ष्य है। वह दाना के अपॉइंटमेंट में समय पर पहुंचता है ताकि अधिक हिटमैन उसे मारने से रोक सके। वह उसे अपनी भंडारण इकाई में ले जाता है जिसमें कलाकीर्ति की कीमती सामान से भरा एक एयर स्ट्रीम मनोरंजन वाहन होता है जिसे उसके भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद वह दाना को एक महंगे होटल में छिपा देता है और रीटा से भिड़ने जाता है लेकिन उसकी हत्या पाता है जिससे उसे संदेह होता है कि लेमर चोर है। किंग मदीना और एजेंटो के एक समूह में वॉल्फ के घर की तलाशी ली है। बाकी सभी के चले जाने के बाद राजा मदीना को बताता है कि वॉल्फ के बारे में क्या जानता है और खुलासा करता है कि उसे वॉल्फ के सुझाव मिलने वाले। वह मदीना से कहता है कि जब वह सेवानिवृत्त हो जाए और वोल्फ की जानकारी को स्वीकार करना जारी रखे तो वोल्फ जैसे हत्यारे से टिप्स लेने को सही ठहराने में असमर्थ होने के कारण वह मना कर देती है। खाली घर में फोन की घंटी बजती और मदीना जवाब देती है। वोल्फ की पार्टनर जिसे लिविंग रोबोटिक्स के बारे में एक टिप देती है। वोल्फ लेमर की हवेली में जाता है जहाँ हिटमैन की एक टीम इंतजार कर रही है। वह अंदर अपने तरीके से लड़ता है लेकिन अपने भाई ब्रेस्किसो को पाकर चौंक जाता है जो लेमर की रक्षा कर रहा है। भाई लड़ते हैं और फिर मेल मिलाप करते हैं और बाद में लेमर प्रकट होता है और अपने आपराधिक कार्य को सही ठहरने की कोशिश करता है। क्रिश्चियंस लेमर को मारता है और जाने से एक हफ्ते पहले ब्रिस्मेन को से मिलने की व्यवस्था करता है। माता पिता का एक और समूह हार्बर्स न्यूरोसाइंस का दौरा करता है जो क्लिनिक के निदेशक के बेटी जस्टिन से मिलते हैं जो वॉल्फ के साथी होने का खुलासा करता है। मदीना वॉल्फ के संपर्क के रूप में अपनी नई भूमिका स्वीकार करती है और लिविंग रोबोटिक्स में ट्रेसरी चार्ज पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है दाना को डॉग्स प्लेइंग पॉमर की एक फेमयुक्त प्रति प्राप्त होती है लेकिन इसके नीचे छिपी एक मूल वैक्सीन पोलर पॉन्टिंग का पता चलता है। अंतिम दृश्य में वॉल्फ कोटी के अपने एयर स्ट्रीम के साथ एक नए शहर की ओर जाते हुए दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। क्रिश्चियंस वॉल्फ द अकाउंटेंट के रूप में बेन एफ्लेक के ऑप्टिस्टिक व्यक्ति जो एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता है जो कहता है कि उसके पास हाई फ्रिक्शनिंग ऑटिक्स है जो दुनिया में कुछ सबसे खतरनाक अपराधों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। सेंटली यंग क्रिश के रूप में अन्ना केड्रिक दाना क्रॉसिंग्स के रूप में लिविंग रोबोटिक्स के साथ लेखाकार जो अपनी पुस्तकों के साथ अनियमितताओं को नोटिस करता है। रिमंड रेकिंग के रूप में जीके सीम्स ट्रेजरी विभाग के फिनसैन के निदेशक किंग के विरोध तक एक स्टेक आउट पर मिलने के बाद द अकाउंटेंट से मिले सुरागों के आधार पर कैरियर बनाना। ब्रेकस्टन वॉल्फ ईसाई के भाई के रूप में जॉन बर्थनोल एफ वह हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए फिक्चर्स के रूप में काम करते हैं जो एक सुरक्षा कंपनी संचालित करता है। जेरिक प्रेक्सिको संग बेक्स्टन के रूप में मेरी बेट मदीना के रूप में सिंधिया एडॉय रॉबिन्स एक युवा ट्रेजरी एजेंट जिसे द अकाउंटेंट की वास्तविक पहचान खोजने का काम सौंपा गया है। जेफ्री टैबोर फ्रांसिस सिक्वरबर्ग के रूप में माफिया के लिए एक पूर्व मुनीम वह द अकाउंटेंट को प्रशिक्षित करता है कि जब वे एक साथ कहते तो धन को कैसे लूटा गया।
लिविंग रोबोटिक्स के सीईओ लेमर ब्लैकबॉर्न के रूप में जोन लेते हो। रीटा ब्लैकबॉर्न के रूप में जीन स्मार्ट लेमर की बहन जो पुस्तकों की कहानी का निरीक्षण करने के लिए वॉल्फ को काम पर रखती है। द चिल्ड्रन के रूप में एंड्री द अकाउंटेंट 2016 मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। द अकाउंटेंट 2016 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कोविनो ऑनर्स द्वारा निर्देशित, बिल डेब्यूक द्वारा निर्देशित और लिखित, बेन फ्लेक्सी, अन्ना केड्रिक, जेके सिम्स, जोन बर्थमल, शिंथिया एडाई रोबिन, सेफ्री टैम्बोर और अभिनी जोन लेते हुए। कहानी क्रिश्चियंस वॉल्फ का अनुसरण करती है जो उच्च कार्यशील आत्म केंद्रित के साथ एक पैमाने सार्वजनिक लेखाकार है जो अपने जीवन को दुनिया भर में आपराधिक को आतंकवादी संगठनों को पुस्तकों को कच्चा बनाता है जो अनुभव कर रहे हैं आंतरिक कवर। इस फिल्म के निर्देशक हैं गोविन ओकानर। यह फिल्म बिल डेब्यूक द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है लिनेट हॉवेल टेलर मार्क विलियम्स ने और इस फिल्म में अभिनय किया है बेन अफ्लेक, अन्ना केंद्रिक, जेके सिमोस, जोन बर्नथल, जेफ्री टैम्बोर, जोन लिथेगो। इस फिल्म में छायाकान किया है शीमस मैककॉर्वे। यह फिल्म संपादित है रिचर्ड पियर्सन्स के लिए। इस फिल्म को संगीत दिया है मार्क इशम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां इलेक्ट्रिक सिटी एंटरटेनमेंट्स, रेड पेग ड्यून एंटरटेनमेंट्स, शून्य गुरुत्वाकर्षण प्रबंधक है। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2016 रहा है। 14 अक्टूबर 2016 अमेरिकी राज्य में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 128 मिनट्स रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट की गई है। ये भाषा से अंग्रेजी में इस फिल्म का बजट 44 मिलियंस रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इसका बजट 155.2 मिलियन रहा है। 10 अक्टूबर 2016 को लॉस एंजेलिस में द अकाउंटेंट का प्रीमियर हुआ है जो 14 अक्टूबर 2016 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया है। आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षा प्राप्त करते हुए फिल्म ने दुनिया भर में 155 मिलियन की कमाई की है जिससे एफलेक के प्रदर्शन को एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट टेक्निक से लॉर्ड की विशेषता वाले एक्शन सदस्य के लिए प्रशंसा मिली है। क्रिश्चियंस वॉल्फ एंड युवा ऑप्टिस्टिक व्यक्ति है। उसकी माँ उसे एक उपचार केंद्र हार्बर्स न्यूरोसाइंस में भेजना चाहती है लेकिन उसके पिता उससे सहमत नहीं हैं। ईसाई की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ उसकी माँ अपने परिवार को छोड़ देती है। उसके पिता ने उन्हें और उनके भाई बेक्सटन की विभिन्न मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। साथ ही ईसाई को खुद को प्रोत्साहन देने वाले के लिए प्रोत्साहित किया जो उसे टालने के बजाय ट्रिगर करता है। वर्तमान में क्रिश्चियंस प्लैनफील्ड एनिलोइस में एक छोटा लेखा कार्यालय संचालित करता है जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम के लिए फ्रंट के रूप में कार्य करता है। उनके अपराधी ग्राहक एक इनाम महिला के माध्यम से उनके संपर्क करते हैं जो अपने व्यवसाय का आयोजन भी करती हैं। कंपनी के सीईओ ब्लैक लेमर्स तो अपनी बहन रीटा को लेखांकन अनियमितताओं के बारे में पता चलने के बाद क्रिश को फॉर लिविंग रोबोटिक्स पर आर्बिट्रेट करने के लिए काम पर रखा गया है। वे इन हाउस अकाउंटेंट टाइना कॉन्गेस को वॉल्फ की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं क्योंकि उसने इस मुद्दे की खोज की है। इस बीच ट्रेजरी के निदेशक रे किंग मेरी बेथ मदीना नाम के एक डेटा विश्लेषण से मिलते हैं जिसका एक किशोर के रूप में आपराधिक रिकॉर्ड है लेकिन वह अपने रोजगार आवेदन पर उसका खुलासा करने में विफल रही है। राजा मदीना को चेतावनी देता है कि अगर तुम जानकारी प्रकट करने का विकल्प चुन लेते हो तो उसे जेल का सामना करना पड़ेगा और उस समय
कुछ महीनों में राजा से सेवानिवृत्त होने से पहले वोल्फ को वास्तविक पहचान खोजने का कार्य सौंपता है। वोल्फ के कार्यालय का पता लगाने के लिए वह टैक्स रिकॉर्ड के पास किंग ऑफ प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करती है। वोल्फ एक रात में कंपनी के एक दशक से अधिक वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करता है और पाता है कि 61 मिलियन का गबन किया गया है। वह रीटा को पूरी बात बताता है लेकिन स्वीकार करता है कि वह जानता है कि चोर कौन है। उस रात लिविंग रोबोटिक्स के CFO एड चिल्टन को एक हिटमैन ने अपने इंसुलिन की अधिक मात्रा देने के लिए मजबूर किया। अगले दिन लेमर ऑडिट के लिए वॉल्फ को अपने अनुबंध के बाकी पैसों का भुगतान करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। हिटमैन वॉल्फ को मारने का प्रयास करता है लेकिन वह उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लेता है। एक से पता चलता है कि दाना अगला लक्ष्य है। वह दाना के अपॉइंटमेंट में समय पर पहुंचता है ताकि अधिक हिटमैन उसे मारने से रोक सके। वह उसे अपनी भंडारण इकाई में ले जाता है जिसमें कलाकीर्ति की कीमती सामान से भरा एक एयर स्ट्रीम मनोरंजन वाहन होता है जिसे उसके भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद वह दाना को एक महंगे होटल में छिपा देता है और रीटा से भिड़ने जाता है लेकिन उसकी हत्या पाता है जिससे उसे संदेह होता है कि लेमर चोर है। किंग मदीना और एजेंटो के एक समूह में वॉल्फ के घर की तलाशी ली है। बाकी सभी के चले जाने के बाद राजा मदीना को बताता है कि वॉल्फ के बारे में क्या जानता है और खुलासा करता है कि उसे वॉल्फ के सुझाव मिलने वाले। वह मदीना से कहता है कि जब वह सेवानिवृत्त हो जाए और वोल्फ की जानकारी को स्वीकार करना जारी रखे तो वोल्फ जैसे हत्यारे से टिप्स लेने को सही ठहराने में असमर्थ होने के कारण वह मना कर देती है। खाली घर में फोन की घंटी बजती और मदीना जवाब देती है। वोल्फ की पार्टनर जिसे लिविंग रोबोटिक्स के बारे में एक टिप देती है। वोल्फ लेमर की हवेली में जाता है जहाँ हिटमैन की एक टीम इंतजार कर रही है। वह अंदर अपने तरीके से लड़ता है लेकिन अपने भाई ब्रेस्किसो को पाकर चौंक जाता है जो लेमर की रक्षा कर रहा है। भाई लड़ते हैं और फिर मेल मिलाप करते हैं और बाद में लेमर प्रकट होता है और अपने आपराधिक कार्य को सही ठहरने की कोशिश करता है। क्रिश्चियंस लेमर को मारता है और जाने से एक हफ्ते पहले ब्रिस्टमैन को से मिलने की व्यवस्था करता है। माता पिता का एक को समूह हार्बर्स न्यूरोसाइंस का दौरा करता है जो क्लिनिक के निदेशक के बेटी जस्टिन से मिलते हैं जो वॉल्फ के साथी होने का खुलासा करता है। मदीना वॉल्फ के संपर्क के रूप में अपनी नई भूमिका स्वीकार करती है और लिविंग रोबोटिक्स में ट्रेसरी चार्ज पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है दाना को डॉग्स प्लेइंग पॉमर की एक फेमयुक्त प्रति प्राप्त होती है लेकिन इसके नीचे छिपी एक मूल वैक्सीन पोलर पॉन्टिंग का पता चलता है। अंतिम दृश्य में वॉल्फ कोटी के अपने एयर स्ट्रीम के साथ एक नए शहर की ओर जाते हुए दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। क्रिश्चियंस वॉल्फ द अकाउंटेंट के रूप में बेन एफ्लेक के ऑप्टिस्टिक व्यक्ति जो एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता है जो कहता है कि उसके पास हाई फ्रिक्शनिंग ऑटिक्स है जो दुनिया में कुछ सबसे खतरनाक अपराधों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। सेंटली यंग क्रिश के रूप में अन्ना केड्रिक दाना क्रॉसिंग्स के रूप में लिविंग रोबोटिक्स के साथ लेखाकार जो अपनी पुस्तकों के साथ अनियमितताओं को नोटिस करता है। रिमंड रेकिंग के रूप में जीके सीम्स ट्रेजरी विभाग के फिनसैन के निदेशक किंग के विरोध तक एक स्टेक आउट पर मिलने के बाद द अकाउंटेंट से मिले सुरागों के आधार पर कैरियर बनाना। ब्रेक ईस्टर्न वॉल्फ ईसाई के भाई के रूप में जॉन बर्थनोल एफ वह हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए फिक्चर्स के रूप में काम करते हैं जो एक सुरक्षा कंपनी संचालित करता है। जेरिक प्रेक्सिको संग बेक्स्टन के रूप में मैरी बेथ मदीना के रूप में सिंधिया एडॉय रॉबिन्स
एक युवा ट्रेजरी एजेंट जिसे द अकाउंटेंट की वास्तविक पहचान खोजने का काम सौंपा गया है। जेफ्री टैबोर फ्रांसिस जुकरबर्ग के रूप में माफिया के लिए एक पूर्व मुनीम, वह द अकाउंटेंट को प्रशिक्षित करता है कि जब वे एक साथ कहते तो धन को कैसे लूटा गया। लिविंग रोबोटिक्स के CEO लेमर ब्लैकबॉर्न के रूप में जॉन लेते वो रीटा ब्लैकबॉर्न के रूप में जीन स्मार्ट लेमर की बहन जो पुस्तकों की कहानी का निरीक्षण करने के लिए वॉल्फ को काम पर रखती है। द चिल्ड्रन के रूप में एंड्री द अकाउंटेंट 2016 मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। द अकाउंटेंट 2016 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कोविनो ओनर्स द्वारा निर्देशित, बिल डब्यूक द्वारा निर्देशित और लिखित, बेन फ्लेक्सी, अन्ना केड्रिक, जेके सिम्स, जोन बर्थमल, शिंथिया एडाई रोबिन, जेफ्री टैम्बोर और अभिनी जोन लेते हुए कहानी क्रिश्चियंस वॉल्फ का अनुसरण करती है, जो उच्च कार्यशील आत्म केंद्रित के साथ एक पैमाने सार्वजनिक लेखाकार है जो अपने जीवन को दुनिया भर में आपराधिक को आतंकवादी संगठनों को पुस्तकों को कच्चा बनाता है जो अनुभव कर रहे हैं आंतरिक कवर। इस फिल्म के निर्देशक हैं गोविन ओकानर। यह फिल्म बिल डेब्यूक द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है लिनेट हॉवेल, ट्रेलर मार्क विलियंस ने और इस फिल्म में अभिनय किया है बेन अफ्लेक, अन्ना केंद्रिक, जेके सिमोस, जोन बर्नथल, जेफ्री टैम्बोर, जोन लिथेगो। इस फिल्म में छायाकान किया है शीमस मैककॉर्वे। यह फिल्म संपादित है रिचर्ड पियर्सन्स के लिए। इस फिल्म को संगीत दिया है मार्क इशम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां इलेक्ट्रिक सिटी एंटरटेनमेंट्स, रेड पेक ड्यून एंटरटेनमेंट्स, शून्य गुरुत्वाकर्षण प्रबंधक है। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2016 रहा है एंड 14 अक्टूबर 2016 अमेरिकी राज्य में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 128 मिनट्स रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट की गई है। ये भाषा से अंग्रेजी में इस फिल्म का बजट 44 मिलियंस रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इसका बजट 155.2 मिलियन रहा है। 10 अक्टूबर 2016 को लॉस एंजेलिस में द अकाउंटेंट का प्रीमियर हुआ है, जो 14 अक्टूबर 2016 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया है। आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षा प्राप्त करते हुए फिल्म ने दुनिया भर में 155 मिलियन की कमाई की है, जिससे एफलेक के प्रदर्शन को एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट टेक्निक से लॉर्ड की विशेषता वाले एक्शन सदस्य के लिए प्रशंसा मिली है। क्रिश्चियंस वॉल्फ एंड युवा ऑप्टिस्टिक व्यक्ति है। उसकी माँ उसे एक उपचार केंद्र हार्बर्स न्यूरोसाइंस में भेजना चाहती है, लेकिन उसके पिता उससे सहमत नहीं है। ईसाई की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ उसकी माँ अपने परिवार को छोड़ देती है। उसके पिता ने उन्हें और उनके भाई बेक्सटन की विभिन्न मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। साथ ही ईसाई को खुद को प्रोत्साहन देने वाले के लिए प्रोत्साहित किया, जो उसे टालने के बजाय ट्रिगर करता है। वर्तमान में क्रिश्चियंस प्लैनफील्ड एनिलोइस में एक छोटा लेखा कार्यालय संचालित करता है, जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम के लिए फ्रंट के रूप में कार्य करता है। उनकी अपराधी ग्राहक एक इनाम महिला के माध्यम से उनके संपर्क करते हैं, जो अपने व्यवसाय का आयोजन भी करती हैं। कंपनी के CEO ब्लैक लेमर्स तो अपनी बहन रीटा को लेखांकन अनियमितताओं के बारे में पता चलने के बाद क्रिश को फॉर लिविंग रोबोटिक्स पर आर्बिट्रेट करने के लिए काम पर रखा गया है। वे इन हाउस अकाउंटेंट टाइना कॉन्गेस को वोल्ट की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं, क्योंकि उसने इस मुद्दे की खोज की है। इस बीच ट्रेजरी के निदेशक रे किंग
मेरी बेत मदीना नाम के एक डेटा विश्लेषण से मिलते हैं जिसका एक किशोर के रूप में आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन वह अपनी रोजगार आवेदन पर उसका खुलासा करने में विफल रही है। रासा मदीना को चेतावनी देता है कि अगर तुम जानकारी प्रकट करने का विकल्प चुन लेते हो तो उसे जेल का सामना करना पड़ेगा, और उस समय कुछ महीनों में राजा से सेवानिवृत्त होने से पहले वोल्फ को वास्तविक पहचान खोजने का कार्य सौंपता है। वोल्फ के कार्यालय का पता लगाने के लिए वह टैक्स रिकॉर्ड के पास किंग ऑफ प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करती है। वोल्फ एक रात में कंपनी के एक दशक से अधिक वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करता है और पाता है कि 61 मिलियन का गबन किया गया है। वह रीटा को पूरी बात बताता है लेकिन स्वीकार करता है कि वह जानता है कि चोर कौन है। उस रात लिविंग रोबोटिक्स के CFO एड चिल्टन को एक हिटमैन ने अपने इंसुलिन की अधिक मात्रा देने के लिए मजबूर किया। अगले दिन लेमर ऑडिट के लिए वॉल्फ को अपने अनुबंध के बाकी पैसों का भुगतान करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। हिटमैन वॉल्फ को मारने का प्रयास करता है लेकिन वह उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लेता है। एक से पता चलता है कि दाना अगला लक्ष्य है। वह दाना के अपॉइंटमेंट में समय पर पहुंचता है ताकि अधिक हिटमैन उसे मारने से रोक सके। वह उसे अपनी भंडारण इकाई में ले जाता है जिसमें कलाकीर्ति की कीमती सामान से भरा एक एयर स्ट्रीम मनोरंजन वाहन होता है जिसे उसके भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद वह दाना को एक महंगे होटल में छिपा देता है और रीटा से भिड़ने जाता है, लेकिन उसकी हत्या पाता है जिससे उसे संदेह होता है कि लेमर चोर है। किंग मदीना और एजेंटो के एक समूह में वॉल्फ के घर की तलाशी ली है। बाकी सभी के चले जाने के बाद राजा मदीना को बताता है कि वॉल्फ के बारे में क्या जानता है और खुलासा करता है कि उसे वॉल्फ के सुझाव मिलने वाले। वह मदीना से कहता है कि जब वह सेवानिवृत्त हो जाए और वोल्फ की जानकारी को स्वीकार करना जारी रखे तो वोल्फ जैसे हत्यारे से टिप्स लेने को सही ठहराने में असमर्थ होने के कारण वह मना कर देती है। खाली घर में फोन की घंटी बजती और मदीना जवाब देती है। वोल्फ की पार्टनर जिसे लिविंग रोबोटिक्स के बारे में एक टिप देती है। वोल्फ लेमर की हवेली में जाता है जहाँ हिटमैन की एक टीम इंतजार कर रही है। वह अंदर अपने तरीके से लड़ता है लेकिन अपने भाई ब्रेस्टिसो को पाकर चौंक जाता है जो लेमर की रक्षा कर रहा है। भाई लड़ते हैं और फिर मेल मिलाप करते हैं और बाद में लेमर प्रकट होता है और अपने आपराधिक कार्य को सही ठहरने की कोशिश करता है। क्रिश्चियंस लेमर को मारता है और जाने से एक हफ्ते पहले ब्रिस्मेन को से मिलने की व्यवस्था करता है। माता पिता का एक को समूह हार्बर्स न्यूरोसाइंस का दौरा करता है जो क्लिनिक के निदेशक के बेटी जस्टिन से मिलते हैं जो वॉल्फ के साथी होने का खुलासा करता है। मदीना वॉल्फ के संपर्क के रूप में अपनी नई भूमिका स्वीकार करती है और लिविंग रोबोटिक्स में ट्रेसरी चार्ज पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है दाना को डॉग्स प्लेइंग पॉमर की एक फेमयुक्त प्रति प्राप्त होती है, लेकिन इसके नीचे छिपी एक मूल वैक्सीन पोलर पॉन्टिंग का पता चलता है। अंतिम दृश्य में वॉल्फ कोटी के अपने एयर स्ट्रीम के साथ एक नए शहर की ओर जाते हुए दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। क्रिश्चियंस वॉल्फ द अकाउंटेंट के रूप में बेन एफ्लेक के ऑप्टिस्टिक व्यक्ति जो एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता है जो कहता है कि उसके पास हाई फ्रिक्शनिंग ऑटिक्स है जो दुनिया में कुछ सबसे खतरनाक अपराधों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। सेंटली यंग क्रिश के रूप में अन्ना केड्रिक, दाना क्रॉसिंग्स के रूप में लिविंग रोबोटिक्स के साथ लेखाकार जो अपनी पुस्तकों के साथ अनियमितताओं को नोटिस करता है। रिमंड रेकिंग के रूप में जीके सीम्स ट्रेजरी विभाग के फिनसैन के निदेशक किंग के विरोध तक एक स्टेक आउट पर मिलने के बाद द अकाउंटेंट से मिले सुरागों के आधार पर कैरियर बनाना। ब्रेक ईस्टर्न वॉल्फ ईसाई के भाई के रूप में जॉन बर्थनोल
वह हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए फिक्चर्स के रूप में काम करते हैं जो एक सुरक्षा कंपनी संचालित करता है। जेरिक प्रेक्सिको संग बेक्स्टर के रूप में मैरी बेथ मदीना के रूप में सिंधिया एडॉय रॉबिन्स एक युवा ट्रेजरी एजेंट जिसे द अकाउंटेंट की वास्तविक पहचान खोजने का काम सौंपा गया है। जेफ्री टैबोर फ्रांसिस सिक्वरबर्ग के रूप में माफिया के लिए एक पूर्व मुनीम वह द अकाउंटेंट को प्रशिक्षित करता है कि जब वे एक साथ कहते तो धन को कैसे लूटा गया। लिविंग रोबोटिक्स के सीईओ लेमर ब्लैकबॉर्न के रूप में जॉन लेते वो रीटा ब्लैकबॉर्न के रूप में जीन स्मार्ट लेमर की बहन जो पुस्तकों की कहानी का निरीक्षण करने के लिए वॉल्फ को काम पर रखती है। द चिल्ड्रन के रूप में एंड्री द अकाउंटेंट 2016 मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज द अकाउंटेंट 2016 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कोविनो ओनर्स द्वारा निर्देशित बिल डेब्यूट द्वारा निर्देशित और लिखित बेन फ्लेक्सी अन्ना केड्रिक जेके सिम्स जोन बर्थमल सिंथिया एडॉय रॉबिन्स फ्री टैम्बोर और अभिनी जोन लेते हुए कहानी क्रिश्चियंस वॉल्फ का अनुसरण करती है जो उच्च कार्यशील आत्म केंद्रित के साथ एक पैमाने सार्वजनिक लेखाकार है जो अपने जीवन को दुनिया भर में आपराधिक को आतंकवादी संगठनों को पुस्तकों को कच्चा बनाता है जो अनुभव कर रहे हैं आंतरिक कवर। इस फिल्म के निर्देशक हैं गोविन ओकानर। यह फिल्म बिल डेब्यूक द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है लिनेट हॉवेल टेलर मार्क विलियम्स ने और इस फिल्म में अभिनय किया है बेन अफ्लेक अन्ना केंद्रिक जेके सिमोस जोन बर्नथल जेफ्री टैम्बोर जोन लेते हो। इस फिल्म में छायाकान किया है शीमस मैककॉर्वे। यह फिल्म संपादित है रिचर्ड पियर्सन्स के लिए। इस फिल्म को संगीत दिया है मार्क इशम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां इलेक्ट्रिक सिटी एंटरटेनमेंट्स रेड पेक ड्यून एंटरटेनमेंट्स शून्य गुरुत्वाकर्षण प्रबंधक है। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2016 रहा है 14 अक्टूबर 2016 अमेरिकी राज्य में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 128 मिनट्स रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट की गई है। ये भाषा से अंग्रेजी में इस फिल्म का बजट 44 मिलियंस रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इसका बजट 155.2 मिलियन रहा है। 10 अक्टूबर 2016 को लॉस एंजेलस में द अकाउंटेंट का प्रीमियर हुआ है जो 14 अक्टूबर 2016 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया है। आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षा प्राप्त करते हुए फिल्म ने दुनिया भर में 155 मिलियन की कमाई की है जिससे एफलेक के प्रदर्शन को एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट टेक्निक से लॉर्ड की विशेषता वाले एक्शन सदस्यों के लिए प्रशंसा मिली है। क्रिश्चियंस वॉल्फ एंड युवा ऑप्टिस्टिक व्यक्ति है। उसकी माँ उसे एक उपचार केंद्र हार्बर्स न्यूरोसाइंस में भेजना चाहती है लेकिन उसके पिता उससे सहमत नहीं है। ईसाई की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ उसकी माँ अपने परिवार को छोड़ देती है। उसके पिता ने उन्हें और उनके भाई बेक्स्टर्न की विभिन्न मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। साथ ही ईसाई को खुद को प्रोत्साहन देने वाले के लिए प्रोत्साहित किया जो उसे टालने के बजाय ट्रिगर करता है। वर्तमान में क्रिश्चियंस प्लैनफील्ड एनिलोइस में एक छोटा लेखा कार्यालय संचालित करता है जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम के लिए फ्रंट के रूप में कार्य करता है। उनकी अपराधी ग्राहक एक इनाम महिला के माध्यम से उनके संपर्क करते हैं जो अपने व्यवसाय का आयोजन भी करती हैं। कंपनी के सीईओ ब्लैक लेमर्स तो अपनी बहन रीटा को लेखांकन अनियमितताओं के बारे में पता चलने के बाद क्रिश को फॉर लिविंग
रोबोटिक्स पर आर्बिटेट करने के लिए काम पर रखा गया है। वे इन हाउस अकाउंटेंट टाइना कांग्रेस को वोल्ट की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं क्योंकि उसने इस मुद्दे की खोज की है। इस बीच ट्रेजरी के निदेशक रे किंग मेरी बेथ मादीना नाम के एक डेटा विश्लेषण से मिलते हैं जिसका एक किशोर के रूप में आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन वह अपने रोजगार आवेदन पर उसका खुलासा करने में विफल रही है। राजा मदीना को चेतावनी देता है कि अगर तुम जानकारी प्रकट करने का विकल्प चुन लेते हो तो उसे जेल का सामना करना पड़ेगा और उस समय कुछ महीनों में राजा से सेवानिवृत्त होने से पहले वोल्फ को वास्तविक पहचान खोजने का कार्य सौंपता है। वोल्फ के कार्यालय का पता लगाने के लिए वह टैक्स रिकॉर्ड के पास किंग ऑफ प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करती है। वोल्फ एक रात में कंपनी के एक दशक से अधिक वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करता है और पाता है कि 61 मिलियन का गबन किया गया है। वह रीटा को पूरी बात बताता है लेकिन स्वीकार करता है कि वह जानता है कि चोर कौन है। उस रात लिविंग रोबोटिक्स के CFO एड चिल्टन को एक हिटमैन ने अपने इंसुलिन की अधिक मात्रा देने के लिए मजबूर किया। अगले दिन लेमर ऑडिट के लिए वोल्फ को अपने अनुबंध के बाकी पैसों का भुगतान करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। हिटमैन वोल्फ को मारने का प्रयास करता है लेकिन वह उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लेता है। एक से पता चलता है कि दाना अगला लक्ष्य है। वह दाना के अपॉइंटमेंट में समय पर पहुंचता है ताकि अधिक हिटमैन उसे मारने से रोक सके। वह उसे अपनी भंडारण इकाई में ले जाता है जिसमें कलाकीर्ति की कीमती सामान से भरा एक एयर स्ट्रीम मनोरंजन वाहन होता है जिसे उसके भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद वह दाना को एक महंगे होटल में छिपा देता है और रीटा से भिड़ने जाता है लेकिन उसकी हत्या पाता है जिससे उसे संदेह होता है कि लेमर चोर है। किंग मदीना और एजेंटो के एक समूह में वोल्फ के घर की तलाशी ली है। बाकी सभी के चले जाने के बाद राजा मदीना को बताता है कि वोल्फ के बारे में क्या जानता है और खुलासा करता है कि उसे वोल्फ के सुझाव मिलने वाले। वह मदीना से कहता है कि जब वह सेवानिवृत्त हो जाए और वोल्फ की जानकारी को स्वीकार करना जारी रखे तो वोल्फ जैसे हत्यारे से टिप्स लेने को सही ठहराने में असमर्थ होने के कारण वह मना कर देती है। खाली घर में फोन की घंटी बजती और मदीना जवाब देती है। वोल्फ की पार्टनर जिसे लिविंग रोबोटिक्स के बारे में एक टिप देती है। वोल्फ लेमर की हवेली में जाता है जहाँ हिटमैन की एक टीम इंतजार कर रही है। वह अंदर अपने तरीके से लड़ता है लेकिन अपने भाई ब्रेस्किसो को पाकर चौंक जाता है जो लेमर की रक्षा कर रहा है। भाई लड़ते हैं और फिर मेल मिलाप करते हैं और बाद में लेमर प्रकट होता है और अपने आपराधिक कार्य को सही ठहरने की कोशिश करता है। क्रिश्चियंस लेमर को मारता है और जाने से एक हफ्ते पहले ब्रिस्मेन को से मिलने की व्यवस्था करता है। माता पिता का एक को समूह हार्बर्स न्यूरोसाइंस का दौरा करता है जो क्लिनिक के निदेशक के बेटी जस्टिन से मिलते हैं जो वॉल्फ के साथी होने का खुलासा करता है। मदीना वॉल्फ के संपर्क के रूप में अपनी नई भूमिका स्वीकार करती है और लिविंग रोबोटिक्स में ट्रेसरी जांच पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है। दाना को डॉग्स प्लेइंग पॉमर की एक फेमयुक्त प्रति प्राप्त होती है लेकिन इसके नीचे छिपी एक मूल वैक्सीन पोलर पॉन्टिंग का पता चलता है। अंतिम दृश्य में वॉल्फ कोटी के अपने एयर स्ट्रीम के साथ एक नए शहर की ओर जाते हुए दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। क्रिश्चियंस वॉल्फ द अकाउंटेंट के रूप में बेन एफ्लेक के ऑप्टिस्टिक व्यक्ति जो एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता है जो कहता है कि उसके पास हाई फ्रिक्शनिंग ऑटिक्स है जो दुनिया में कुछ सबसे खतरनाक अपराधों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। सेंटली यंग क्रिश के रूप में अन्ना केड्रिक, दाना क्रॉसिंग्स के रूप में लिविंग रोबोटिक्स के साथ लेखाकार जो अपनी पुस्तकों के साथ अनियमितताओं को नोटिस करता है।
रिमंड रे किंग के रूप में जीके सिम्स ट्रेजरी विभाग के फिनसैन के निदेशक किंग के विरोध तक एक स्टेक आउट पर मिलने के बाद द अकाउंटेंट से मिले सुरागों के आधार पर कैरियर बनाना। ब्रेक ईस्टर्न वॉल्फ ईसाई के भाई के रूप में जॉन बर्थनोल एफ वह हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए फिक्चर्स के रूप में काम करते हैं जो एक सुरक्षा कंपनी संचालित करता है। जेरिक प्रेक्सिको संग बेक्स्टर्न के रूप में मैरी बेथ मदीना के रूप में सिंधिया एडॉय रॉबिन्स एक युवा ट्रेजरी एजेंट जिसे द अकाउंटेंट की वास्तविक पहचान खोजने का काम सौंपा गया है। जेफ्री टैबोर फ्रांसिस सिक्वरबर्ग के रूप में माफिया के लिए एक पूर्व मुनीम वह द अकाउंटेंट को प्रशिक्षित करता है कि जब वे एक साथ कहते तो धन को कैसे लूटा गया। लिविंग रोबोटिक्स के सीईओ लेमर ब्लैकबॉर्न के रूप में जॉन लेते वो रीटा ब्लैकबॉर्न के रूप में जीन स्मार्ट लेमर की बहन जो पुस्तकों की कहानी का निरीक्षण करने के लिए वॉल्फ को काम पर रखती है। द चिल्ड्रन के रूप में एंड्री द अकाउंटेंट 2016 मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज द अकाउंटेंट 2016 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कोविनो ओनर्स द्वारा निर्देशित बिल डेब्यू द्वारा निर्देशित और लिखित बेन फ्लेक्सी अन्ना केड्रिक जेके सिम्स जॉन बर्थमल सिंथिया एडॉय रॉबिन्स से फ्री टैम्बोर और अभिनी जोन लेते हुए कहानी क्रिश्चियंस वॉल्फ का अनुसरण करती है जो उच्च कार्यशील आत्म केंद्रित के साथ एक पैमाने सार्वजनिक लेखाकार है जो अपने जीवन को दुनिया भर में आपराधिक को आतंकवादी संगठनों को पुस्तकों को कच्चा बनाता है जो अनुभव कर रहे हैं आंतरिक कवर। इस फिल्म के निर्देशक हैं गोविन ओकानर। यह फिल्म बिल डेब्यूक द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है लीनेट हॉवेल टेलर मार्क विलियम्स ने और इस फिल्म में अभिनय किया है बेन अफ्लेक अन्ना केंद्रिक जेके सिमोस जोन बर्थल जेफ्री टैम्बोर जोन लेते हो। इस फिल्म में छायाकान किया है शीमस मैकॉर्वे। यह फिल्म संपादित है रिचर्ड पियर्सन्स के लिए। इस फिल्म को संगीत दिया है मार्क इशम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां इलेक्ट्रिक सिटी एंटरटेनमेंट्स रेड पेक ड्यून एंटरटेनमेंट्स शून्य गुरुत्वाकर्षण प्रबंधक है। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2016 रहा है 14 अक्टूबर 2016 अमेरिकी राज्य में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 128 मिनट्स रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट की गई है। ये भाषा से अंग्रेजी में इस फिल्म का बजट 44 मिलियंस रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इसका बजट 155.2 मिलियन रहा है। 10 अक्टूबर 2016 को लॉस एंजेलस में द अकाउंटेंट का प्रीमियर हुआ है जो 14 अक्टूबर 2016 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया है। आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षा प्राप्त करते हुए फिल्म ने दुनिया भर में 155 मिलियन की कमाई की है जिससे एफ्लेक के प्रदर्शन को एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट टेक्निक से लॉर्ड की विशेषता वाले एक्शन सदस्यों के लिए प्रशंसा मिली है। क्रिश्चियंस वॉल्फ एंड युवा ऑप्टिस्टिक व्यक्ति है। उसकी माँ उसे एक उपचार केंद्र हार्बर्स न्यूरोसाइंस में भेजना चाहती है लेकिन उसके पिता उससे सहमत नहीं है। ईसाई की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ उसकी माँ अपने परिवार को छोड़ देती है। उसके पिता ने उन्हें और उनके भाई बेक्स्टर्न की विभिन्न मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। साथ ही ईसाई को खुद को प्रोत्साहन देने वाले के लिए प्रोत्साहित किया जो उसे टालने के बजाय ट्रिगर करता है। वर्तमान में क्रिश्चियंस प्लैनफील्ड एनिलोइस में एक छोटा लेखा कार्यालय संचालित करता है जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम्स के लिए फ्रंट के रूप में कार्य करता है।
उनकी आपराधिक ग्राहक एक इनाम महिला के माध्यम से उनके संपर्क करते हैं जो अपने व्यवसाय का आयोजन भी करती हैं। कंपनी के सीईओ ब्लैक लेमर्स तो अपनी बहन रीटा को लेखांकन अनियमितताओं के बारे में पता चलने के बाद क्रिश को फॉर लिविंग रोबोटिक्स पर आर्बिट्रेट करने के लिए काम पर रखा गया है। वे इन हाउस अकाउंटेंट टाइना कांग्रेस को वोल्ट की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं क्योंकि उसने इस मुद्दे की खोज की है। इस बीच ट्रेजरी के निदेशक रे किंग मेरी बेथ मदीना नाम के एक डेटा विश्लेषण से मिलते हैं जिसका एक किशोर के रूप में आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन वह अपने रोजगार आवेदन पर उसका खुलासा करने में विफल रही है। रासा मदीना को चेतावनी देता है कि अगर तुम जानकारी प्रकट करने का विकल्प चुन लेते हो तो उसे जेल का सामना करना पड़ेगा और उस समय कुछ महीनों में राजा से सेवानिवृत्त होने से पहले वोल्फ को वास्तविक पहचान खोजने का कार्य सौंपता है। वोल्फ के कार्यालय का पता लगाने के लिए वह टैक्स रिकॉर्ड के पास किंग ऑफ प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करती है। वोल्फ एक रात में कंपनी के एक दशक से अधिक वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करता है और पाता है कि 61 मिलियन का गबन किया गया है। वह रीटा को पूरी बात बताता है लेकिन स्वीकार करता है कि वह जानता है कि चोर कौन है। उस रात लिविंग रोबोटिक्स के सीएफओ एड चिल्टन को एक हिटमैन ने अपने इंसुलिन की अधिक मात्रा देने के लिए मजबूर किया। अगले दिन लेमर ऑडिट के लिए वोल्फ को अपने अनुबंध के बाकी पैसों का भुगतान करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। हिटमैन वोल्फ को मारने का प्रयास करता है लेकिन वह उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लेता है। एक से पता चलता है कि दाना अगला लक्ष्य है। वह दाना के अपॉइंटमेंट में समय पर पहुंचता है ताकि अधिक हिटमैन उसे मारने से रोक सके। वह उसे अपनी भंडारण इकाई में ले जाता है जिसमें कलाकीर्ति की कीमती सामान से भरा एक एयर स्ट्रीम मनोरंजन वाहन होता है जिसे उसके भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद वह दाना को एक महंगे होटल में छिपा देता है और रीटा से भिड़ने जाता है, लेकिन उसकी हत्या पाता है जिससे उसे संदेह होता है कि लेमर चोर है। किंग मदीना और एजेंटों के एक समूह में वोल्फ के घर की तलाशी ली है। बाकी सभी के चले जाने के बाद राजा मदीना को बताता है कि वोल्फ के बारे में क्या जानता है और खुलासा करता है कि उसे वोल्फ के सुझाव मिलने वाले। वह मदीना से कहता है कि जब वह सेवानिवृत्त हो जाए और वोल्फ की जानकारी को स्वीकार करना जारी रखे तो वोल्फ जैसे हत्यारे से टिप्स लेने को सही ठहराने में असमर्थ होने के कारण वह मना कर देती है। खाली घर में फोन की घंटी बजती और मदीना जवाब देती है। वोल्फ की पार्टनर जिसे लिविंग रोबोटिक्स के बारे में एक टिप देती है। वोल्फ लेमर की हवेली में जाता है जहाँ हिटमैन की एक टीम इंतजार कर रही है। वह अंदर अपने तरीके से लड़ता है लेकिन अपने भाई ब्रेस्किसो को पाकर चौंक जाता है जो लेमर की रक्षा कर रहा है। भाई लड़ते हैं और फिर मेल मिलाप करते हैं और बाद में लेमर प्रकट होता है और अपने आपराधिक कार्य को सही ठहरने की कोशिश करता है। क्रिश्चियंस लेमर को मारता है और जाने से एक हफ्ते पहले ब्रिस्मेन को से मिलने की व्यवस्था करता है। माता पिता का एक को समूह हार्बर्स न्यूरोसाइंस का दौरा करता है जो क्लिनिक के निदेशक के बेटी जस्टिन से मिलते हैं जो वॉल्फ के साथी होने का खुलासा करता है। मदीना वॉल्फ के संपर्क के रूप में अपनी नई भूमिका स्वीकार करती है और लिविंग रोबोटिक्स में ट्रेसरी जांच पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है दाना को डॉग्स प्लेइंग पॉमर की एक फेमयुक्त प्रति प्राप्त होती है लेकिन इसके नीचे छिपी एक मूल वैक्सीन पोलर पॉन्टिंग का पता चलता है। अंतिम दृश्य में वॉल्फ कोटी के अपने एयर स्ट्रीम के साथ एक नए शहर की ओर जाते हुए दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। क्रिश्चियंस वॉल्फ द अकाउंटेंट के रूप में बेन एफ्लेक के ए ऑप्टिस्टिक व्यक्ति जो एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता है जो कहता है कि उसके पास हाई फिक्सिंग ऑप्टिक्स है जो दुनिया में
कुछ सबसे खतरनाक अपराधों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। सेंटली यंग क्रिश के रूप में अन्ना केड्रिक, दाना क्रॉसिंग्स के रूप में लिविंग रोबोटिक्स के साथ लेखाकार जो अपनी पुस्तकों के साथ अनियमितताओं को नोटिस करता है। रेमंड रेकिंग के रूप में जीके सीम्स ट्रेजरी विभाग के फिनसन के निदेशक किंग के विरोध तक एक स्टेक आउट पर मिलने के बाद द अकाउंटेंट से मिले सुरागों के आधार पर कैरियर बनाना। ब्रेक ईस्टर्न वॉल फिसाई के भाई के रूप में जॉन बर्थनोल एफ वह हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए फिक्चर्स के रूप में काम करते हैं जो एक सुरक्षा कंपनी संचालित करता है। जेरिक प्रेक्सिको संग बेक्स्टर्न के रूप में मैरी बेथ मदीना के रूप में सिंधिया एडॉय रॉबिन्स एक युवा ट्रेजरी एजेंट जिसे द अकाउंटेंट की वास्तविक पहचान खोजने का काम सौंपा गया है। जेफ्री टैबोर फ्रांसिस सिक्वरबर्ग के रूप में माफिया के लिए एक पूर्व मुनीम वह द अकाउंटेंट को प्रशिक्षित करता है कि जब वे एक साथ कहते तो धन को कैसे लूटा गया। लिविंग रोबोटिक्स के सीईओ लेमर ब्लैकबॉर्न के रूप में जॉन लेते हो रीटा ब्लैकबॉर्न के रूप में जीन स्मार्ट लेमर की बहन जो पुस्तकों की कहानी का निरीक्षण करने के लिए वॉल्व को काम पर रखती है। द चिल्ड्रन के रूप में एंड्री द अकाउंटेंट 2016 मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज द अकाउंटेंट 2016 की एक अमेरिकी एक्शन ट्रेलर फिल्म है। कोविनो ओनर्स द्वारा निर्देशित बिल डेब्यूक द्वारा निर्देशित और लिखित बैन फ्लैक्सी अन्ना केड्रिक जेके सिम्स जॉन बर्थमल शिंथिया एडॉय रॉबिन्स फ्री टैम्बोर और अभिनी जोन लेते हुए कहानी क्रिश्चियंस वॉल्फ का अनुसरण करती है जो उच्च कार्यशील आत्म केंद्रित के साथ एक पैमाने सार्वजनिक लेखाकार है जो अपने जीवन को दुनिया भर में आपराधिक को आतंकवादी संगठनों को पुस्तकों को कच्चा बनाता है जो अनुभव कर रहे हैं आंतरिक कवर। इस फिल्म के निर्देशक हैं गोविन ओकानर। यह फिल्म बिल डेब्यूक द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है लीनेट हॉवेल ट्रेलर मार्क विलियम्स ने और इस फिल्म में अभिनय किया है बेन अफ्लेक अन्ना केंद्रिक जेके सिमोस जोन बर्नथल जेफ्री टैम्बोर जोन लेते हो। इस फिल्म में छायाकान किया है शीमस मैकॉर्वे। यह फिल्म संपादित है रिचर्ड पियर्सन्स के लिए। इस फिल्म को संगीत दिया है मार्क इशम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां इलेक्ट्रिक सिटी एंटरटेनमेंट्स रेड पेक ड्यून एंटरटेनमेंट्स शून्य गुरुत्वाकर्षण प्रबंधक है। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2016 रहा है 14 अक्टूबर 2016 अमेरिकी राज्य में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 128 मिनट्स रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट की गई है। यह भाषा से अंग्रेजी में इस फिल्म का बजट 44 मिलियंस रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इसका बजट 155.2 मिलियन रहा है। 10 अक्टूबर 2016 को लॉस एंजेलिस में द अकाउंटेंट का प्रीमियर हुआ है जो 14 अक्टूबर 2016 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया है। आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षा प्राप्त करते हुए फिल्म ने दुनिया भर में 155 मिलियन की कमाई की है जिससे एफ्लेक के प्रदर्शन को एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट टेक्निक से लॉर्ड की विशेषता वाले एक्शन सीक्वेंस के लिए प्रशंसा मिली है। क्रिश्चियंस वॉल्फ एंड युवा ऑप्टिस्टिक व्यक्ति है। उसकी माँ उसे एक उपचार केंद्र हार्बर्स न्यूरोसाइंस में भेजना चाहती है लेकिन उसके पिता उससे सहमत नहीं है। ईसाई की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ उसकी माँ अपने परिवार को छोड़ देती है। उसके पिता ने उन्हें और उनके भाई बेक्स्टर्न की विभिन्न मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया
साथ ही ईसाई को खुद को प्रोत्साहन देने वाले के लिए प्रोत्साहित किया जो उसे टोकने टालने के बजाय ट्रिगर करता है। वर्तमान में क्रिश्चियंस प्लैनफील्ड एनिलॉइस में एक छोटा लेखा कार्यालय संचालित करता है जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम के लिए फ्रंट के रूप में कार्य करता है। उनके अपराधी ग्राहक एक इनाम महिला के माध्यम से उनके संपर्क करते हैं जो अपने व्यवसाय का आयोजन भी करती हैं। कंपनी के सीईओ ब्लैक लेमर्स तो अपनी बहन रीटा को लेखांकन अनियमितताओं के बारे में पता चलने के बाद क्रिश को फन लिविंग रोबोटिक्स पर आर्बिट्रेट करने के लिए काम पर रखा गया है। वे इन हाउस अकाउंटेंट टाइना कांग्रेस को वोल्ट की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं क्योंकि उसने इस मुद्दे की खोज की है। इस बीच ट्रेजरी के निदेशक रे किंग मेरी बेथ मदीना नाम के एक डेटा विश्लेषण से मिलते हैं जिसका एक किशोर के रूप में आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन वह अपने रोजगार आवेदन पर उसका खुलासा करने में विफल रही है। रासा मदीना को चेतावनी देता है कि अगर तुम जानकारी प्रकट करने का विकल्प चुन लेते हो तो उसे जेल का सामना करना पड़ेगा और उस समय कुछ महीनों में राजा से सेवानिवृत्त होने से पहले वोल्फ को वास्तविक पहचान खोजने का कार्य सौंपता है। वोल्फ के कार्यालय का पता लगाने के लिए वह टैक्स रिकॉर्ड के पास किंग ऑफ प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करती है। वोल्फ एक रात में कंपनी के एक दशक से अधिक वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करता है और पाता है कि 61 मिलियन का गबन किया गया है। वह रीटा को पूरी बात बताता है लेकिन स्वीकार करता है कि वह जानता है कि चोर कौन है। उस रात लिविंग रोबोटिक्स के सीएफओ एड चिल्टन को एक हिटमैन ने अपने इंसुलिन की अधिक मात्रा देने के लिए मजबूर किया। अगले दिन लेमर ऑडिट के लिए वोल्फ को अपने अनुबंध के बाकी पैसों का भुगतान करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। हिटमैन वोल्फ को मारने का प्रयास करता है लेकिन वह उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लेता है। एक से पता चलता है कि दाना अगला लक्ष्य है। वह दाना के अपॉइंटमेंट में समय पर पहुंचता है ताकि अधिक हिटमैन उसे मारने से रोक सके। वह उसे अपनी भंडारण इकाई में ले जाता है जिसमें कलाकृति की कीमती सामान से भरा एक एयर स्ट्रीम मनोरंजन वाहन होता है जिसे उसके भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद वह दाना को एक महंगे होटल में छिपा देता है और रीटा से भिड़ने जाता है लेकिन उसकी हत्या पाता है जिससे उसे संदेह होता है कि लेमर चोर है। किंग मदीना और एजेंटों के एक समूह में वोल्फ के घर की तलाशी ली है। बाकी सभी के चले जाने के बाद राजा मदीना को बताता है कि वोल्फ के बारे में क्या जानता है और खुलासा करता है कि उसे वोल्फ के सुझाव मिलने वाले। वह मदीना से कहता है कि जब वह सेवानिवृत्त हो जाए और वोल्फ की जानकारी को स्वीकार करना जारी रखे तो वोल्फ जैसे हत्यारे से टिप्स लेने को सही ठहराने में असमर्थ होने के कारण वह मना कर देती है। खाली घर में फोन की घंटी बजती और मदीना जवाब देती है। वोल्फ की पार्टनर जिसे लिविंग रोबोटिक्स के बारे में एक टिप देती है। वोल्फ लेमर की हवेली में जाता है जहाँ हिटमैन की एक टीम इंतजार कर रही है। वह अंदर अपने तरीके से लड़ता है लेकिन अपने भाई ब्रेस्किसो को पाकर चौंक जाता है जो लेमर की रक्षा कर रहा है। भाई लड़ते हैं और फिर मेल मिलाप करते हैं और बाद में लेमर प्रकट होता है और अपने आपराधिक कार्य को सही ठहरने की कोशिश करता है। क्रिश्चियंस लेमर को मारता है और जाने से एक हफ्ते पहले ब्रिस्टमैन को से मिलने की व्यवस्था करता है। माता पिता का एक और समूह हार्बर्स न्यूरोसाइंस का दौरा करता है जो क्लिनिक के निदेशक के बेटे जस्टिन से मिलते हैं जो वॉल्फ के साथी होने का खुलासा करता है। मदीना वॉल्फ के संपर्क के रूप में अपनी नई भूमिका स्वीकार करती है और लिविंग रोबोटिक्स में ट्रेसरी जांच पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है दाना को डॉग्स प्लेइंग पॉमर की एक फेमयुक्त प्राप्त होती है लेकिन इसके नीचे छिपी एक मूल वैक्सीन
पोलर पॉन्टिंग का पता चलता है। अंतिम दृश्य में वॉल्फ कोटी के अपने एयर स्ट्रीम के साथ एक नए शहर की ओर जाते हुए दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। क्रिश्चियंस वॉल्फ द अकाउंटेंट के रूप में बेन एफ्लेक के ऑप्टिस्टिक व्यक्ति जो एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता है, जो कहता है कि उसके पास हाई फ्लेक्सिंग ऑप्टिक्स है जो दुनिया में कुछ सबसे खतरनाक अपराधों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। सेंटली यंग क्रिश के रूप में अन्ना केड्रिक, दाना क्रॉसिंग्स के रूप में लिविंग रोबोटिक्स के साथ लेखाकार जो अपनी पुस्तकों के साथ अनियमितताओं को नोटिस करता है। रेमंड रेकिंग के रूप में जीके सीम्स, ट्रेजरी विभाग के फिनसन के निदेशक किंग के विरोध तक एक स्टेक आउट पर मिलने के बाद द अकाउंटेंट से मिले सुरागों के आधार पर कैरियर बनाना। ब्रेक ईस्टर्न वॉल्फ ईसाई के भाई के रूप में जॉन बर्थनोल, एफ वह हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए फिक्चर्स के रूप में काम करते हैं जो एक सुरक्षा कंपनी संचालित करता है। जेरिक प्रेक्सिको संग बेक्स्टर्न के रूप में मेरी बेट मदीना के रूप में सिंधिया, एडॉय रॉबिन्स एक युवा ट्रेजरी एजेंट जिसे द अकाउंटेंट की वास्तविक पहचान खोजने का काम सौंपा गया है। जेफ्री टैबोर फ्रांसिस सिक्वरबर्ग के रूप में माफिया के लिए एक पूर्व मुनीम, वह द अकाउंटेंट को प्रशिक्षित करता है कि जब वे एक साथ कहते तो धन को कैसे लूटा गया। लिविंग रोबोटिक्स के CEO लेमर ब्लैकबॉर्न के रूप में जॉन लेते वो, रीटा ब्लैकबॉर्न के रूप में जीन स्मार्ट, लेमर की बहन जो पुस्तकों की कहानी का निरीक्षण करने के लिए वॉल्फ को काम पर रखती है। द चिल्ड्रन के रूप में एंड्री, द अकाउंटेंट 2016 मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। द अकाउंटेंट 2016 की एक अमेरिकी एक्शन स्टेलर फिल्म है। कोविनो ओनर्स द्वारा निर्देशित, बिल डेब्यूक द्वारा निर्देशित और लिखित, बेन फ्लेक्सी, अन्ना केड्रिक, जेके सिम्स, जॉन बर्थमल, सिंथिया एडॉय रॉबिन्स, जेफ्री टैबोर और अभिनीत जोन लेते हुए कहानी क्रिश्चियंस वॉल्फ का अनुसरण करती है जो उच्च कार्यशील आत्म केंद्रित के साथ एक पैमाने सार्वजनिक लेखाकार है जो अपने जीवन को दुनिया भर में आपराधिक को आतंकवादी संगठनों को पुस्तकों को कच्चा बनाता है जो अनुभव कर रहे हैं आंतरिक कवर। इस फिल्म के निर्देशक हैं गोविन ओकानर। यह फिल्म बिल डेब्यूक द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है लीनेट हॉवेल टेलर मार्क विलियम्स ने और इस फिल्म में अभिनय किया है बेन अफ्लेक, अन्ना केंद्रीविक, जेके सिमोस, जोन बर्थल, जेफ्री टैबोर, जोन लिथेगो। इस फिल्म में छायाकान किया है शीमस मैककॉर्वे। यह फिल्म संपादित है रिचर्ड पियर्सन्स के लिए। इस फिल्म को संगीत दिया है मार्क इशम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां इलेक्ट्रिक सिटी एंटरटेनमेंट्स, रेड पेक ड्यून एंटरटेनमेंट्स, शून्य गुरुत्वाकर्षण प्रबंधक है। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2016 रहा है, 14 अक्टूबर 2016 अमेरिकी राज्य में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 128 मिनट्स रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट की गई है। ये भाषा से अंग्रेजी में इस फिल्म का बजट 44 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इसका बजट 155.2 मिलियन रहा है। 10 अक्टूबर 2016 को लॉस एंजेलिस में द अकाउंटेंट का प्रीमियर हुआ है जो 14 अक्टूबर 2016 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया है। आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षा प्राप्त करते हुए फिल्म ने दुनिया भर में 155 मिलियन की कमाई की है जिससे एफ्लेक के प्रदर्शन को एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट टेक्निक से लॉर्ड की विशेषता वाले एक्शन सीक्वेंस के लिए प्रशंसा मिली है। क्रिश्चियंस वॉल्फ एंड युवा
ऑप्टिस्टिक व्यक्ति है। उसकी माँ उसे एक उपचार केंद्र हार्बर्स न्यूरोसाइंस में भेजना चाहती है, लेकिन उसके पिता उससे सहमत नहीं हैं। ईसाई की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ उसकी माँ अपने परिवार को छोड़ देती है। उसके पिता ने उन्हें और उनके भाई बेक्सटन की विभिन्न मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। साथ ही ईसाई को खुद को प्रोत्साहन देने वाले के लिए प्रोत्साहित किया, जो उसे टालने के बजाय ट्रिगर करता है। वर्तमान में क्रिश्चियंस प्लैनफील्ड एनिलॉइस में एक छोटा लेखा कार्यालय संचालित करता है, जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम के लिए फ्रंट के रूप में कार्य करता है। उनकी अपराधी ग्राहक एक इनाम महिला के माध्यम से उनके संपर्क करते हैं, जो अपने व्यवसाय का आयोजन भी करती हैं। कंपनी के सीईओ ब्लैक लेमर्स तो अपनी बहन रीटा को लेखांकन अनियमितताओं के बारे में पता चलने के बाद क्रिश को फॉर लिविंग रोबोटिक्स पर आर्बिट्रेट करने के लिए काम पर रखा गया है। वे इन हाउस अकाउंटेंट टाइना कांग्रेस को वोल्ट की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं, क्योंकि उसने इस मुद्दे की खोज की है। इस बीच ट्रेजरी के निदेशक रे किंग मेरी बेथ मदीना नाम के एक डेटा विश्लेषण से मिलते हैं, जिसका एक किशोर के रूप में आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन वह अपने रोजगार आवेदन पर उसका खुलासा करने में विफल रही है। रासा मदीना को चेतावनी देता है कि अगर तुम जानकारी प्रकट करने का विकल्प चुन लेते हो तो उसे जेल का सामना करना पड़ेगा, और उस समय कुछ महीनों में राजा से सेवानिवृत्त होने से पहले वोल्फ को वास्तविक पहचान खोजने का कार्य सौंपता है। वोल्फ के कार्यालय का पता लगाने के लिए वह टैक्स रिकॉर्ड के पास किंग ऑफ प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करती है। वोल्फ एक रात में कंपनी के एक दशक से अधिक वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करता है और पाता है कि 61 मिलियन का गबन किया गया है। वह रीटा को पूरी बात बताता है, लेकिन स्वीकार करता है कि वह जानता है कि चोर कौन है। उस रात लिविंग रोबोटिक्स के सीएफओ एड चिल्टन को एक हिटमैन ने अपने इंसुलिन की अधिक मात्रा देने के लिए मजबूर किया। अगले दिन लेमर ऑडिट के लिए वोल्फ को अपने अनुबंध के बाकी पैसों का भुगतान करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। हिटमैन वोल्फ को मारने का प्रयास करता है, लेकिन वह उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लेता है। एक से पता चलता है कि दाना अगला लक्ष्य है। वह दाना के अपॉइंटमेंट में समय पर पहुंचता है, ताकि अधिक हिटमैन उसे मारने से रोक सके। वह उसे अपनी भंडारण इकाई में ले जाता है, जिसमें कलाकृति की कीमती सामान से भरा एक एयर स्ट्रीम मनोरंजन वाहन होता है, जिसे उसके भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद वह दाना को एक महंगे होटल में छिपा देता है और रीटा से भिड़ने जाता है, लेकिन उसकी हत्या पाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि लेमर चोर है। किंग मदीना और एजेंटों के एक समूह में वोल्फ के घर की तलाशी ली है। बाकी सभी के चले जाने के बाद राजा मदीना को बताता है कि वोल्फ के बारे में क्या जानता है, और खुलासा करता है कि उसे वोल्फ के सुझाव मिलने वाले। वह मदीना से कहता है कि जब वह सेवानिवृत्त हो जाए और वोल्फ की जानकारी को स्वीकार करना जारी रखे, तो वोल्फ जैसे हत्यारे से टिप्स लेने को सही ठहराने में असमर्थ होने के कारण वह मना कर देती है। खाली घर में फोन की घंटी बजती और मदीना जवाब देती है। वोल्फ की पार्टनर जिसे लिविंग रोबोटिक्स के बारे में एक टिप देती है। वोल्फ लेमर की हवेली में जाता है, जहाँ हिटमैन की एक टीम इंतजार कर रही है। वह अंदर अपने तरीके से लड़ता है, लेकिन अपने भाई ब्रेस्टकिसो को पाकर चौंक जाता है, जो लेमर की रक्षा कर रहा है। भाई लड़ते हैं और फिर मेल मिलाप करते हैं, और बाद में लेमर प्रकट होता है और अपने आपराधिक कार्य को सही ठहरने की कोशिश करता है। क्रिश्चियंस लेमर को मारता है और जाने से एक हफ्ते पहले ब्रिस्टमैन को से मिलने की व्यवस्था करता है। माता पिता का एक और समूह हार्बर्स न्यूरोसाइंस का दौरा करता है, जो क्लिनिक के निदेशक के बेटी जस्टिन से मिलते हैं, जो वॉल्फ के साथी होने का खुलासा करता है।
मदीना बॉल के संपर्क के रूप में अपनी नई भूमिका स्वीकार करती है और लिविंग रिबोटिक्स में ट्रेसरी जांच पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है, दाना को डॉग्स आ प्लेइंग पॉमर की एक फेमयुक्त प्रति प्राप्त होती है, लेकिन इसके नीचे छिपी एक मूल वैक्सीन पोलर पॉन्टिंग का पता चलता है। अंतिम दृश्य में वॉल्फ कोटी के अपने एयर स्ट्रीम के साथ एक नए शहर की ओर जाते हुए दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। क्रिश्चियंस वॉल्फ द अकाउंटेंट के रूप में बेन एफ्लेक के ए ऑप्टिस्टिक व्यक्ति जो एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता है, जो कहता है कि उसके पास हाई फ्रिक्शनिंग ऑप्टिक्स है जो दुनिया में कुछ सबसे खतरनाक अपराधों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। सेंटली यंग क्रिश के रूप में अन्ना केड्रिक, दाना क्रॉसिंग्स के रूप में लिविंग रोबोटिक्स के साथ लेखाकार जो अपनी पुस्तकों के साथ अनियमितताओं को नोटिस करता है। रेमंड रेकिंग के रूप में जीके सीम्स, ट्रेजरी विभाग के फिनसन के निदेशक किंग के विरोध तक एक स्टेक आउट पर मिलने के बाद द अकाउंटेंट से मिले सुरागों के आधार पर कैरियर बनाना। ब्रेक ईस्टर्न वॉल्फ ईसाई के भाई के रूप में जॉन बर्थनोल, एफ वह हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए फिक्चर्स के रूप में काम करते हैं जो एक सुरक्षा कंपनी संचालित करता है। जेरिक प्रेक्सिको संग बेक्स्टन के रूप में मेरी बेट मदीना के रूप में सिंधिया एडॉय रॉबिन्स, एक युवा ट्रेजरी एजेंट जिसे द अकाउंटेंट की वास्तविक पहचान खोजने का काम सौंपा गया है। जेफ्री टैबोर फ्रांसिस सिक्वरबर्ग के रूप में माफिया के लिए एक पूर्व मुनीम, वह द अकाउंटेंट को प्रशिक्षित करता है कि जब वे एक साथ कहते तो धन को कैसे लूटा गया। लिविंग रोबोटिक्स के सीईओ लेमर ब्लैकबॉर्न के रूप में जॉन लेते वो, रीटा ब्लैकबॉर्न के रूप में जीन स्मार्ट लेमर की बहन जो पुस्तकों की कहानी का निरीक्षण करने के लिए वॉल्फ को काम पर रखती है। द चिल्ड्रन के रूप में एंड्री, द अकाउंटेंट 2016 मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। द अकाउंटेंट 2016 की एक अमेरिकी एक्शन स्टेलर फिल्म है। कोविनो ओनर्स द्वारा निर्देशित, बिल डेब्यूक द्वारा निर्देशित और लिखित, बेन फ्लेक्सी, अन्ना केड्रिक, जेके सिम्स, जॉन बर्थमल, सिंथिया एडॉय रॉबिन्स, फ्री टैम्बोर और अभिनीत जोन लेते हुए कहानी क्रिश्चियंस वॉल्फ का अनुसरण करती है जो उच्च कार्यशील आत्म केंद्रित के साथ एक पैमाने सार्वजनिक लेखाकार है जो अपने जीवन को दुनिया भर में आपराधिक को आतंकवादी संगठनों को पुस्तकों को कच्चा बनाता है जो अनुभव कर रहे हैं आंतरिक कवर। इस फिल्म के निर्देशक हैं गोविन ओकानर। यह फिल्म बिल डेब्यूक द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है लिनेट हॉवेल, टेलर मार्क विलियम्स ने और इस फिल्म में अभिनय किया है बेन अफ्लेक, अन्ना केंद्रिक, जेके सिमोस, जोन बर्थल, जेफ्री टैम्बोर, जोन लिथेगो। इस फिल्म में छायाकान किया है शीमस मैकॉर्वे। यह फिल्म संपादित है रिचर्ड पियर्सन्स के लिए। इस फिल्म को संगीत दिया है मार्क इशम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां इलेक्ट्रिक सिटी एंटरटेनमेंट्स, रेड पेक ड्यून एंटरटेनमेंट्स, शून्य गुरुत्वाकर्षण प्रबंधक है। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2016 रहा है, 14 अक्टूबर 2016 अमेरिकी राज्य में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 128 मिनट्स रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट की गई है। ये भाषा से अंग्रेजी में इस फिल्म का बजट 44 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इसका बजट 155.2 मिलियन रहा है। 10 अक्टूबर 2016 को लॉस एंजेलिस में द अकाउंटेंट का प्रीमियर हुआ है, जो 14 अक्टूबर 2016 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया है।
आलोचनाओं से मिश्री समीक्षा प्राप्त करते हुए फिल्म ने दुनिया भर में 155 मिलियन की कमाई की है, जिससे एफलेक के प्रदर्शन को एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट टेक्निक सिलॉट की विशेषता वाले एक्शन सिलसिले के लिए प्रशंसा मिली है। क्रिश्चियन वॉल्फ एन युवा ऑप्टिस्टिक व्यक्ति है, उसकी माँ उसे एक उपचार केंद्र हार्बर्स न्यूरोसाइंस में भेजना चाहती है, लेकिन उसके पिता उससे सहमत नहीं है। ईसाई की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ उसकी माँ अपने परिवार को छोड़ देती है। उसके पिता ने उन्हें और उनके भाई बेक्सटन की विभिन्न मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, साथ ही ईसाई को खुद को प्रोत्साहन देने वाले के लिए प्रोत्साहित किया जो उसे टालने के बजाय ट्रिगर करता है। वर्तमान में क्रिश्चियंस प्लैनफील्ड एनिलॉइस में एक छोटा लेखा कार्यालय संचालित करता है जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम्स के लिए फ्रंट के रूप में कार्य करता है। उनकी अपराधी ग्राहक एक इनाम महिला के माध्यम से उनके संपर्क करते हैं जो अपने व्यवसाय का आयोजन भी करती हैं। कंपनी के सीईओ ब्लैक लेमर्स तो अपनी बहन रीटा को लेखांकन अनियमितताओं के बारे में पता चलने के बाद क्रिश को फॉर लिविंग रोबोटिक्स पर आर्बिट्रेट करने के लिए काम पर रखा गया है। वे इन हाउस अकाउंटेंट टाइना कांग्रेस को वोल्ट की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं क्योंकि उसने इस मुद्दे की खोज की है। इस बीच ट्रेजरी के निदेशक रे किंग मेरी बेथ मदीना नाम के एक डेटा विश्लेषण से मिलते हैं जिसका एक किशोर के रूप में आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन वह अपने रोजगार आवेदन पर उसका खुलासा करने में विफल रही है। रासा मदीना को चेतावनी देता है कि अगर तुम जानकारी प्रकट करने का विकल्प चुन लेते हो तो उसे जेल का सामना करना पड़ेगा और उस समय कुछ महीनों में राजा से सेवानिवृत्त होने से पहले वोल्फ को वास्तविक पहचान खोजने का कार्य सौंपता है। वोल्फ के कार्यालय का पता लगाने के लिए वह टैक्स रिकॉर्ड के पास किंग ऑफ प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करती है। वोल्फ एक रात में कंपनी के एक दशक से अधिक वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करता है और पाता है कि 61 मिलियन का गबन किया गया है। वह रीटा को पूरी बात बताता है लेकिन स्वीकार करता है कि वह जानता है कि चोर कौन है। उस रात लिविंग रोबोटिक्स के सीएफओ एड चिल्टन को एक हिटमैन ने अपने इंसुलिन की अधिक मात्रा देने के लिए मजबूर किया। अगले दिन लेमर ऑडिट के लिए वोल्फ को अपने अनुबंध के बाकी पैसों का भुगतान करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। हिटमैन वोल्फ को मारने का प्रयास करता है लेकिन वह उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लेता है। एक से पता चलता है कि दाना अगला लक्ष्य है। वह दाना के अपॉइंटमेंट में समय पर पहुंचता है ताकि अधिक हिटमैन उसे मारने से रोक सके। वह उसे अपनी भंडारण इकाई में ले जाता है जिसमें कलाकृति की कीमती सामान से भरा एक एयर स्ट्रीम मनोरंजन वाहन होता है जिसे उसके भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद वह दाना को एक महंगे होटल में छिपा देता है और रीटा से भिड़ने जाता है, लेकिन उसकी हत्या पाता है जिससे उसे संदेह होता है कि लेमर चोर है। किंग मदीना और एजेंटों के एक समूह में वोल्फ के घर की तलाशी ली है। बाकी सभी के चले जाने के बाद राजा मदीना को बताता है कि वोल्फ के बारे में क्या जानता है और खुलासा करता है कि उसे वोल्फ के सुझाव मिलने वाले। वह मदीना से कहता है कि जब वह सेवानिवृत्त हो जाए और वोल्फ की जानकारी को स्वीकार करना जारी रखे तो वोल्फ जैसे हत्यारे से टिप्स लेने को सही ठहराने में असमर्थ होने के कारण वह मना कर देती है। खाली घर में फोन की घंटी बजती और मदीना जवाब देती है। वोल्फ की पार्टनर जिसे लिविंग रोबोटिक्स के बारे में एक टिप देती है। वोल्फ लेमर की हवेली में जाता है जहाँ हिटमैन की एक टीम इंतजार कर रही है। वह अंदर अपने तरीके से लड़ता है लेकिन अपने भाई ब्रेस्टिसो को पाकर चौंक जाता है जो लेमर की रक्षा कर रहा है। भाई लड़ते हैं और फिर मेल मिलाप करते हैं और बाद में लेमर प्रकट होता है और अपने
आपराधिक कार्य को सही ठहरने की कोशिश करता है, क्रिश्चियन स्लैमर को मारता है और जाने से एक हफ्ते पहले ब्रिस्टमेन को से मिलने की व्यवस्था करता है। माता पिता का एक और समूह हार्बर्स न्यूरोसाइंस का दौरा करता है, जो क्लिनिक के निदेशक के बेटी जस्टिन से मिलते हैं, जो वॉल्फ के साथी होने का खुलासा करता है। मदीना वॉल्फ के संपर्क के रूप में अपनी नई भूमिका स्वीकार करती है और लिविंग रिबोटिक्स में ट्रेसरी जांच पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है, दाना को डॉग्स आ प्लेइंग पॉमर की एक फेमयुक्त प्रति प्राप्त होती है, लेकिन इसके नीचे छिपी एक मूल वैक्सीन पोलर पॉन्टिंग का पता चलता है। अंतिम दृश्य में वॉल्फ कोटी के अपने एयर स्ट्रीम के साथ एक नए शहर की ओर जाते हुए दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। क्रिश्चियंस वॉल्फ द अकाउंटेंट के रूप में बेन एफ्लेक के ए ऑप्टिस्टिक व्यक्ति जो एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता है, जो कहता है कि उसके पास हाई फिक्सिंग ऑप्टिक्स है, जो दुनिया में कुछ सबसे खतरनाक अपराधों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। सेंटली यंग क्रिश के रूप में अन्ना केड्रिक, दाना क्रॉसिंग्स के रूप में लिविंग रोबोटिक्स के साथ लेखाकार जो अपनी पुस्तकों के साथ अनियमितताओं को नोटिस करता है। रिमंड रेकिंग के रूप में जीके सीम्स, ट्रेजरी विभाग के फिनसन के निदेशक किंग के विरोध तक एक स्टेक आउट पर मिलने के बाद द अकाउंटेंट से मिले सुरागों के आधार पर कैरियर बनाना। ब्रेक ईस्टर्न वॉल्फ ईसाई के भाई के रूप में जॉन बर्थनोल एफ वह हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए फिक्चर्स के रूप में काम करते हैं, जो एक सुरक्षा कंपनी संचालित करता है। जेरिक प्रेक्सिको संग बेक्स्टन के रूप में मेरी बेट मदीना के रूप में सिंधिया एडॉय रॉबिन्स एक युवा ट्रेजरी एजेंट जिसे द अकाउंटेंट की वास्तविक पहचान खोजने का काम सौंपा गया है। जेफ्री टैबोर फ्रांसिस सिक्वरबर्ग के रूप में माफिया के लिए एक पूर्व मुनीम वह द अकाउंटेंट को प्रशिक्षित करता है कि जब वे एक साथ कहते तो धन को कैसे लूटा गया। लिविंग रोबोटिक्स के सीईओ लेमर ब्लैकबॉर्न के रूप में जॉन लेते वो रीटा ब्लैकबॉर्न के रूप में जीन स्मार्ट लेमर की बहन जो पुस्तकों की कहानी का निरीक्षण करने के लिए वॉल्व को काम पर रखती है। द चिल्ड्रन के रूप में एंड्री द अकाउंटेंट 2016 मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। द अकाउंटेंट 2016 की एक अमेरिकी एक्शन स्टेलर फिल्म है। कोविनो ओनर्स द्वारा निर्देशित बिल डब्यूक द्वारा निर्देशित और लिखित बेन फ्लेक्सी अन्ना केड्रिक जेके सिम्स जॉन बर्थमल सिंथिया एडॉय रॉबिन्स फ्री टैम्बोर और अभिनीत जोन लेते हुए कहानी क्रिश्चियंस वॉल्फ का अनुसरण करती है, जो उच्च कार्यशील आत्म केंद्रित के साथ एक पैमाने सार्वजनिक लेखाकार है, जो अपने जीवन को दुनिया भर में आपराधिक को आतंकवादी संगठनों को पुस्तकों को कच्चा बनाता है, जो अनुभव कर रहे हैं आंतरिक कवर। इस फिल्म के निर्देशक हैं गोविन ओकानर। यह फिल्म बिल डेब्यूक द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है लीनेट हॉवेल टेलर मार्क विलियम्स ने और इस फिल्म में अभिनय किया है बेन अफ्लेक अन्ना केंद्रिक जेके सिमोस जोन बर्नथल जेफ्री टैम्बोर जोन लिथे। इस फिल्म में छायाकान किया है शीमस मैकॉर्वे। यह फिल्म संपादित है रिचर्ड पियर्सन्स के लिए। इस फिल्म को संगीत दिया है मार्क इशम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां इलेक्ट्रिक सिटी एंटरटेनमेंट्स रेड पेक ड्यून एंटरटेनमेंट्स शून्य गुरुत्वाकर्षण प्रबंधक हैं। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2016 रहा है एंड 14 अक्टूबर 2016 अमेरिकी राज्य में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 128 मिनट्स रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट की गई है। ये भाषा से अंग्रेजी में इस फिल्म का बजट 44 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इसका
बजट 155.2 मिलियन रहा है। 10 अक्टूबर 2016 को लॉस एंजेलिस में द अकाउंटेंट का प्रीमियर हुआ है, जो 14 अक्टूबर 2016 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया है। आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षा प्राप्त करते हुए फिल्म ने दुनिया भर में 155 मिलियन की कमाई की है, जिससे एफले के प्रदर्शन को एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट टेक्निक सिलॉट की विशेषता वाले एक्शन सिलसिले के लिए प्रशंसा मिली है। क्रिश्चियंस वॉल्फ एंड युवा ऑप्टिस्टिक व्यक्ति है, उसकी माँ उसे एक उपचार केंद्र हार्बर्स न्यूरोसाइंस में भेजना चाहती है, लेकिन उसके पिता उससे सहमत नहीं है। ईसाई की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ उसकी माँ अपने परिवार को छोड़ देती है। उसके पिता ने उन्हें और उनके भाई बेक्सटन की विभिन्न मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, साथ ही ईसाई को खुद को प्रोत्साहन देने वाले के लिए प्रोत्साहित किया, जो उसे टालने के बजाय ट्रिगर करता है। वर्तमान में क्रिश्चियंस प्लैनफील्ड एनिलॉइस में एक छोटा लेखा कार्यालय संचालित करता है, जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम के लिए फ्रंट के रूप में कार्य करता है। उनके अपराधी ग्राहक एक इनाम महिला के माध्यम से उनके संपर्क करते हैं, जो अपने व्यवसाय का आयोजन भी करती हैं। कंपनी के सीईओ ब्लैक लेमर्स तो अपनी बहन रीटा को लेखांकन अनियमितताओं के बारे में पता चलने के बाद क्रिश को फॉर लिविंग रोबोटिक्स पर आर्बिट्रेट करने के लिए काम पर रखा गया है। वे इन हाउस अकाउंटेंट टाइना कांग्रेस को वोल्ट की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं, क्योंकि उसने इस मुद्दे की खोज की है। इस बीच ट्रेजरी के निदेशक रे किंग मेरी बेथ मदीना नाम के एक डेटा विश्लेषण से मिलते हैं, जिसका एक किशोर के रूप में आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन वह अपने रोजगार आवेदन पर उसका खुलासा करने में विफल रही है। राजा मदीना को चेतावनी देता है कि अगर तुम जानकारी प्रकट करने का विकल्प चुन लेते हो तो उसे जेल का सामना करना पड़ेगा, और उस समय कुछ महीनों में राजा से सेवानिवृत्त होने से पहले वोल्फ को वास्तविक पहचान खोजने का कार्य सौंपता है। वोल्फ के कार्यालय का पता लगाने के लिए वह टैक्स रिकॉर्ड के पास किंग ऑफ प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करती है। वोल्फ एक रात में कंपनी के एक दशक से अधिक वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करता है और पाता है कि 61 मिलियन का गबन किया गया है। वह रीटा को पूरी बात बताता है, लेकिन स्वीकार करता है कि वह जानता है कि चोर कौन है। उस रात लिविंग रोबोटिक्स के सीएफओ एड चिल्टन को एक हिटमैन ने अपने इंसुलिन की अधिक मात्रा देने के लिए मजबूर किया। अगले दिन लेमर ऑडिट के लिए वोल्फ को अपने अनुबंध के बाकी पैसों का भुगतान करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। हिटमैन वोल्फ को मारने का प्रयास करता है, लेकिन वह उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लेता है। एक से पता चलता है कि दाना अगला लक्ष्य है। वह दाना के अपॉइंटमेंट में समय पर पहुंचता है, ताकि अधिक हिटमैन उसे मारने से रोक सके। वह उसे अपनी भंडारण इकाई में ले जाता है, जिसमें कलाकृति की कीमती सामान से भरा एक एयर स्ट्रीम मनोरंजन वाहन होता है, जिसे उसके भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद वह दाना को एक महंगे होटल में छिपा देता है और रीटा से भिड़ने जाता है, लेकिन उसकी हत्या पाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि लेमर चोर है। किंग मदीना और एजेंटों के एक समूह में वोल्फ के घर की तलाशी ली है। बाकी सभी के चले जाने के बाद राजा मदीना को बताता है कि वोल्फ के बारे में क्या जानता है, और खुलासा करता है कि उसे वोल्फ के सुझाव मिलने वाले। वह मदीना से कहता है कि जब वह सेवानिवृत्त हो जाए और वोल्फ की जानकारी को स्वीकार करना जारी रखे, तो वोल्फ जैसे हत्यारे से टिप्स लेने को सही ठहराने में असमर्थ होने के कारण वह मना कर देती है। खाली घर में फोन की घंटी बजती और मदीना जवाब देती है। वोल्फ की पार्टनर जिसे लिविंग रोबोटिक्स के बारे में एक टिप देती है,
वोल्फ्लेमर की हवेली में जाता है जहाँ हिटमैन की एक टीम इंतजार कर रही है। वह अंदर अपने तरीके से लड़ता है, लेकिन अपने भाई ब्रेस्टिसो को पाकर चौंक जाता है जो लेमर की रक्षा कर रहा है। भाई लड़ते हैं और फिर मेल मिलाप करते हैं और बाद में लेमर प्रकट होता है और अपने आपराधिक कार्य को सही ठहरने की कोशिश करता है। क्रिश्चियन लेमर को मारता है और जाने से एक हफ्ते पहले ब्रिस्टमैन को से मिलने की व्यवस्था करता है। माता पिता का एक और समूह हार्बर्स न्यूरोसाइंस का दौरा करता है जो क्लिनिक के निदेशक के बेटी जस्टिन से मिलते हैं जो वॉल्फ के साथी होने का खुलासा करता है। मदीना वॉल्फ के संपर्क के रूप में अपनी नई भूमिका स्वीकार करती है और लिविंग रिबोटिक्स में ट्रेसरी जांच पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है, दाना को डॉग्स प्लेइंग पॉमर की एक फेमयुक्त प्रति प्राप्त होती है, लेकिन इसके नीचे छिपी एक मूल वैक्सीन पोलर पॉन्टिंग का पता चलता है। अंतिम दृश्य में वॉल्फ कोटी के अपने एयर स्ट्रीम के साथ एक नए शहर की ओर जाते हुए दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। क्रिश्चियन वॉल्फ द अकाउंटेंट के रूप में बेन एफ्लेक के ऑप्टिस्टिक व्यक्ति जो एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता है जो कहता है कि उसके पास हाई फिक्सिंग ऑप्टिक्स है जो दुनिया में कुछ सबसे खतरनाक अपराधों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। सेंटली यंग क्रिश के रूप में अन्ना केड्रिक, दाना क्रॉसिंग्स के रूप में लिविंग रोबोटिक्स के साथ लेखाकार जो अपनी पुस्तकों के साथ अनियमितताओं को नोटिस करता है। रिमंड रेकिंग के रूप में जीके सीम्स, ट्रेजरी विभाग के फिनसन के निदेशक किंग के विरोध तक एक स्टेक आउट पर मिलने के बाद द अकाउंटेंट से मिले सुरागों के आधार पर कैरियर बनाना। ब्रेक ईस्टर्न वॉल्फ ईसाई के भाई के रूप में जॉन बर्थनोल एफ वह हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए फिक्चर्स के रूप में काम करते हैं जो एक सुरक्षा कंपनी संचालित करता है। जेरिक प्रेक्सिको संग बेक्स्टन के रूप में मेरी बेट मदीना के रूप में सिंधिया एडॉय रॉबिन्स एक युवा ट्रेजरी एजेंट जिसे द अकाउंटेंट की वास्तविक पहचान खोजने का काम सौंपा गया है। जेफरी टैबोर फ्रांसिस सिक्वरबर्ग के रूप में माफिया के लिए एक पूर्व मुनीम वह द अकाउंटेंट को प्रशिक्षित करता है कि जब वे एक साथ कहते तो धन को कैसे लूटा गया। लिविंग रोबोटिक्स के सीईओ लेमर ब्लैकबॉर्न के रूप में जॉन लेते वो रीटा ब्लैकबॉर्न के रूप में जीन स्मार्ट लेमर की बहन जो पुस्तकों की कहानी का निरीक्षण करने के लिए वॉल्फ को काम पर रखती है। द चिल्ड्रन के रूप में एंड्री द अकाउंटेंट 2016 मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज। द अकाउंटेंट 2016 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कोविनो ओनर्स द्वारा निर्देशित, बिल डब्यूक द्वारा निर्देशित और लिखित, बेन फ्लेक्सी, अन्ना केड्रिक, जेके सिम्स, जॉन बर्थमल, सिंथिया एडॉय रॉबिन्स, फ्री टैम्बोर और अभिनी जोन लेते हुए कहानी क्रिश्चियंस वॉल्फ का अनुसरण करती है जो उच्च कार्यशील आत्म केंद्रित के साथ एक पैमाने सार्वजनिक लेखाकार है जो अपने जीवन को दुनिया भर में आपराधिक को आतंकवादी संगठनों को पुस्तकों को कच्चा बनाता है जो अनुभव कर रहे हैं आंतरिक गबन। इस फिल्म के निर्देशक हैं गोविन ओकानर। यह फिल्म बिल डेब्यूक द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है लीनेट हॉवेल टेलर मार्क विलियम्स ने और इस फिल्म में अभिनय किया है बेन अफ्लेक, अन्ना केंद्रिक, जेके सिमोस, जॉन बर्नथल, जेफरी टैम्बोर, जॉन लिथगो। इस फिल्म में छायाकान किया है शीमस मैककॉर्वे। यह फिल्म संपादित है रिचर्ड पियर्सन्स के लिए। इस फिल्म को संगीत दिया है मार्क इशम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां इलेक्ट्रिक सिटी एंटरटेनमेंट्स, रेड पेक ड्यून एंटरटेनमेंट्स, शून्य गुरुत्वाकर्षण प्रबंधक है। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर
अक्टूबर 2016 रहा है एंड 14 अक्टूबर 2016 से अमरीकी राज्य में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 128 मिनट्स रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट की गई है। ये भाषा से अंग्रेजी में इस फिल्म का बजट 44 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इसका बजट 155.2 मिलियन रहा है। 10 अक्टूबर 2016 को लॉस एंजेलिस में द अकाउंटेंट का प्रीमियर हुआ है, जो 14 अक्टूबर 2016 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया है। आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षा प्राप्त करते हुए फिल्म ने दुनिया भर में 155 मिलियन की कमाई की है, जिससे एफलेक के प्रदर्शन को एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट टेक्निक सिलॉट की विशेषता वाले एक्शन स्टार्स के लिए प्रशंसा मिली है। क्रिश्चियन वॉल्फ एंड युवा ऑप्टिस्टिक व्यक्ति है, उसकी माँ उसे एक उपचार केंद्र हार्बर्स न्यूरोसाइंस में भेजना चाहती है, लेकिन उसके पिता उससे सहमत नहीं है। ईसाई की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ उसकी माँ अपने परिवार को छोड़ देती है। उसके पिता ने उन्हें और उनके भाई बेक्सटन की विभिन्न मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, साथ ही ईसाई को खुद को प्रोत्साहन देने वाले के लिए प्रोत्साहित किया, जो उसे टालने के बजाय ट्रिगर करता है। वर्तमान में क्रिश्चियंस प्लैनफील्ड एनिलॉइस में एक छोटा लेखा कार्यालय संचालित करता है, जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम के लिए फ्रंट के रूप में कार्य करता है। उनके अपराधी ग्राहक एक इनाम महिला के माध्यम से उनके संपर्क करते हैं, जो अपने व्यवसाय का आयोजन भी करती हैं। कंपनी के सीईओ ब्लैक लेमर्स तो अपनी बहन रीटा को लेखांकन अनियमितताओं के बारे में पता चलने के बाद क्रिश को फन लिविंग रोबोटिक्स पर आर्बिटेट करने के लिए काम पर रखा गया है। वे इन हाउस अकाउंटेंट टाइना कांग्रेस को वोल्ट की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं, क्योंकि उसने इस मुद्दे की खोज की है। इस बीच ट्रेजरी के निदेशक रे किंग मेरी बेथ मदीना नाम के एक डेटा विश्लेषण से मिलते हैं, जिसका एक किशोर के रूप में आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन वह अपने रोजगार आवेदन पर उसका खुलासा करने में विफल रही है। राजा मदीना को चेतावनी देता है कि अगर तुम जानकारी प्रकट करने का विकल्प चुन लेते हो तो उसे जेल का सामना करना पड़ेगा, और उस समय कुछ महीनों में राजा से सेवानिवृत्त होने से पहले वोल्फ को वास्तविक पहचान खोजने का कार्य सौंपता है। वोल्फ के कार्यालय का पता लगाने के लिए वह टैक्स रिकॉर्ड के पास किंग ऑफ प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करती है। वोल्फ एक रात में कंपनी के एक दशक से अधिक वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करता है और पाता है कि 61 मिलियन का गबन किया गया है। वह रीटा को पूरी बात बताता है, लेकिन स्वीकार करता है कि वह जानता है कि चोर कौन है। उस रात लिविंग रोबोटिक्स के सीएफओ एड चिल्टन को एक हिटमैन ने अपने इंसुलिन की अधिक मात्रा देने के लिए मजबूर किया। अगले दिन लेमर ऑडिट के लिए वोल्फ को अपने अनुबंध के बाकी पैसों का भुगतान करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। हिटमैन वोल्फ को मारने का प्रयास करता है, लेकिन वह उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लेता है। एक से पता चलता है कि दाना अगला लक्ष्य है। वह दाना के अपॉइंटमेंट में समय पर पहुंचता है ताकि अधिक हिटमैन उसे मारने से रोक सके। वह उसे अपनी भंडारण इकाई में ले जाता है, जिसमें कलाकृति की कीमती सामान से भरा एक एयर स्ट्रीम मनोरंजन वाहन होता है, जिसे उसके भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद वह दाना को एक महंगे होटल में छिपा देता है और रीटा से भिड़ने जाता है, लेकिन उसकी हत्या पाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि लेमर चोर है। किंग मदीना और एजेंटों के एक समूह में वोल्फ के घर की तलाशी ली है। बाकी सभी के चले जाने के बाद राजा मदीना को बताता है कि वोल्फ के बारे में क्या जानता है और खुलासा करता है कि उसे वोल्फ के सुझाव मिलने वाले। वह मदीना से कहता है कि जब वह सेवानिवृत्त हो जाए और
वोल्फ की जानकारी को स्वीकार करना जारी रखे तो वोल्फ जैसी हत्यारे से टिप्स लेने को सही ठहराने में असमर्थ होने के कारण वह मना कर देती है। खाली घर में फोन की घंटी बजती और मदीना जवाब देती है। वोल्फ की पार्टनर जिसे लिविंग रिबोटिक्स के बारे में एक टिप देती है। वोल्फ लेमर की हवेली में जाता है जहाँ हिटमैन की एक टीम इंतजार कर रही है। वह अंदर अपने तरीके से लड़ता है लेकिन अपने भाई ब्रेस्टिसो को पाकर चौंक जाता है जो लेमर की रक्षा कर रहा है। भाई लड़ते हैं और फिर मेल मिलाप करते हैं और बाद में लेमर प्रकट होता है और अपने आपराधिक कार्य को सही ठहरने की कोशिश करता है। क्रिश्चियन स्लैमर को मारता है और जाने से एक हफ्ते पहले ब्रिस्टमैन को से मिलने की व्यवस्था करता है। माता पिता का एक और समूह हार्बर्स न्यूरोसाइंस का दौरा करता है जो क्लिनिक के निदेशक के बेटे जस्टिन से मिलते हैं जो वॉल्फ के साथी होने का खुलासा करता है। मदीना वॉल्फ के संपर्क के रूप में अपनी नई भूमिका स्वीकार करती है और लिविंग रिबोटिक्स में ट्रेसरी जांच पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है। दाना को डॉग्स आ प्लेइंग पॉमर की एक फेमयुक्त प्रति प्राप्त होती है लेकिन इसके नीचे छिपी एक मूल वैक्सीन पोलर पॉन्टिंग का पता चलता है। अंतिम दृश्य में वॉल्फ कोटी के अपने एयर स्ट्रीम के साथ एक नए शहर की ओर जाते हुए दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। क्रिश्चियंस वॉल्फ द अकाउंटेंट के रूप में बेन एफ्लेक ए ऑप्टिस्टिक व्यक्ति जो एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता है जो कहता है कि उसके पास हाई फिक्सिंग ऑप्टिक्स है जो दुनिया में कुछ सबसे खतरनाक अपराधों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। सेंटली यंग क्रिश के रूप में अन्ना केड्रिक दाना क्रॉसिंग्स के रूप में लिविंग रोबोटिक्स के साथ लेखाकार जो अपनी पुस्तकों के साथ अनियमितताओं को नोटिस करता है। रिमंड रेकिंग के रूप में जीके सीम्स ट्रेजरी विभाग के फिनसन के निदेशक किंग के विरोध तक एक स्टेक आउट पर मिलने के बाद द अकाउंटेंट से मिले सुरागों के आधार पर कैरियर बनाना। ब्रेकस्टर्न वॉल्फ ईसाई के भाई के रूप में जॉन बर्थनोल एफ वह हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए फिक्चर्स के रूप में काम करते हैं जो एक सुरक्षा कंपनी संचालित करता है। जेरिक प्रेक्सिको संग बेक्स्टर्न के रूप में मैरीबेथ मदीना के रूप में सिंधिया एडॉय रॉबिन्स एक युवा ट्रेजरी एजेंट जिसे द अकाउंटेंट की वास्तविक पहचान खोजने का काम सौंपा गया है। जेफरी टैबोर फ्रांसिस सिक्वरबर्ग के रूप में माफिया के लिए एक पूर्व मुनीम वह द अकाउंटेंट को प्रशिक्षित करता है कि जब वे एक साथ कहते तो धन को कैसे लूटा गया। लिविंग रोबोटिक्स के सीईओ लेमर ब्लैकबॉर्न के रूप में जॉन लेते वो रीटा ब्लैकबॉर्न के रूप में जीन स्मार्ट लेमर की बहन जो पुस्तकों की कहानी का निरीक्षण करने के लिए वॉल्फ को काम पर रखती है। द चिल्ड्रन के रूप में एंड्री द अकाउंटेंट 2016 मूवी के फैक्ट एंड रिव्यूज द अकाउंटेंट 2016 की एक अमेरिकी एक्शन स्टेलर फिल्म है। कोविनो ओनर्स द्वारा निर्देशित बिल डब्यूक द्वारा निर्देशित और लिखित बेन फ्लेक्सी अन्ना केड्रिक जेके सिम्स जॉन बर्थमल सिंथिया एडॉय रॉबिन्स से फ्री टैम्बोर और अभिनीत सोन लेते हुए कहानी क्रिश्चियंस वॉल्फ का अनुसरण करती है जो उच्च कार्यशील आत्म केंद्रित के साथ एक पैमाने सार्वजनिक लेखाकार है जो अपने जीवन को दुनिया भर में आपराधिक और आतंकवादी संगठनों को पुस्तकों को कच्चा बनाता है जो अनुभव कर रहे हैं आंतरिक गबन। इस फिल्म के निर्देशक हैं गोविन ओकानर। यह फिल्म बिल डेब्यूक द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है लिनेट हॉवेल टेलर मार्क विलियम्स ने और इस फिल्म में अभिनय किया है बेन अफ्लेक अन्ना केंद्रिक जेके सिमोस जॉन बर्नथल जेफरी टैम्बोर जॉन लिथगो। इस फिल्म में छायाकान किया है शीमस मैककॉर्वे। यह फिल्म संपादित है रिचर्ड पियर्सन के लिए।
इस फिल्म को संगीत दिया है मार्क इशम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां इलेक्ट्रिक सिटी एंटरटेनमेंट्स, रेड पेक ड्यून एंटरटेनमेंट्स, शून्य गुरुत्वाकर्षण प्रबंधक हैं। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2016 रहा है एंड 14 अक्टूबर 2016 से अमेरिकी राज्य में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 128 मिनट्स रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट की गई है। ये भाषा से अंग्रेजी में इस फिल्म का बजट 44 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इसका बजट 155.2 मिलियन रहा है। 10 अक्टूबर 2016 को लॉस एंजेलिस में द अकाउंटेंट का प्रीमियर हुआ है, जो 14 अक्टूबर 2016 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया है। आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षा प्राप्त करते हुए फिल्म ने दुनिया भर में 155 मिलियन की कमाई की है, जिससे एफले के प्रदर्शन को एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट टेक्निक सिलॉट की विशेषता वाले एक्शन स्टार्स के लिए प्रशंसा मिली है। क्रिश्चियंस वॉल्फ एंड युवा ऑप्टिस्टिक व्यक्ति है, उसकी माँ उसे एक उपचार केंद्र हार्बर्स न्यूरोसाइंस में भेजना चाहती है, लेकिन उसके पिता उससे सहमत नहीं है। ईसाई की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ उसकी माँ अपने परिवार को छोड़ देती है। उसके पिता ने उन्हें और उनके भाई बेक्सटन की विभिन्न मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। साथ ही ईसाई को खुद को प्रोत्साहन देने वाले के लिए प्रोत्साहित किया, जो उसे टालने के बजाय ट्रिगर करता है। वर्तमान में क्रिश्चियंस प्लैनफील्ड एनिलॉइस में एक छोटा लेखा कार्यालय संचालित करता है, जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम के लिए फ्रंट के रूप में कार्य करता है। उनके अपराधी ग्राहक एक इनाम महिला के माध्यम से उनके संपर्क करते हैं, जो अपने व्यवसाय का आयोजन भी करती हैं। कंपनी के सीईओ ब्लैक लेमर्स तो अपनी बहन रीटा को लेखांकन अनियमितताओं के बारे में पता चलने के बाद क्रिश को फन लिविंग रोबोटिक्स पर आर्बिट्रेट करने के लिए काम पर रखा गया है। वे इन हाउस अकाउंटेंट टाइना कांग्रेस को वोल्फ की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं, क्योंकि उसने इस मुद्दे की खोज की है। इस बीच ट्रेजरी के निदेशक रे किंग मेरी बेथ मदीना नाम के एक डेटा विश्लेषण से मिलते हैं, जिसका एक किशोर के रूप में आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन वह अपने रोजगार आवेदन पर उसका खुलासा करने में विफल रही है। राजा मदीना को चेतावनी देता है कि अगर तुम जानकारी प्रकट करने का विकल्प चुन लेते हो तो उसे जेल का सामना करना पड़ेगा, और उस समय कुछ महीनों में राजा से सेवानिवृत्त होने से पहले वोल्फ को वास्तविक पहचान खोजने का कार्य सौंपता है। वोल्फ के कार्यालय का पता लगाने के लिए वह टैक्स रिकॉर्ड के पास किंग ऑफ प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करती है। वोल्फ एक रात में कंपनी के एक दशक से अधिक वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करता है और पाता है कि 61 मिलियन का गबन किया गया है। वह रीटा को पूरी बात बताता है, लेकिन स्वीकार करता है कि वह जानता है कि चोर कौन है। उस रात लिविंग रोबोटिक्स के सीएफओ एड चिल्टन को एक हिटमैन ने अपने इंसुलिन की अधिक मात्रा देने के लिए मजबूर किया। अगले दिन लेमर ऑडिट के लिए वोल्फ को अपने अनुबंध के बाकी पैसों का भुगतान करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। हिटमैन वोल्फ को मारने का प्रयास करता है, लेकिन वह उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लेता है। एक से पता चलता है कि दाना अगला लक्ष्य है। वह दाना के अपॉइंटमेंट में समय पर पहुंचता है ताकि अधिक हिटमैन उसे मारने से रोक सके। वह उसे अपनी भंडारण इकाई में ले जाता है, जिसमें कलाकृति की कीमती सामान से भरा एक एयर स्ट्रीम मनोरंजन वाहन होता है, जिसे उसके भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद वह दाना को एक महंगे होटल में छिपा देता है और रीटा से भिड़ने जाता है, लेकिन उसकी हत्या पाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि लेमर चोर है।
की मदीना और एजेंटो के एक समूह में वॉल्फ के घर की तलाशी ली है। बाकी सभी के चले जाने के बाद राजा मदीना को बताता है कि वॉल्फ के बारे में क्या जानता है और खुलासा करता है कि उसे वॉल्फ के सुझाव मिलने वाले। वह मदीना से कहता है कि जब वह सेवानिवृत्त हो जाए और वॉल्फ की जानकारी को स्वीकार करना जारी रखे तो वॉल्फ जैसे हत्यारे से टिप्स लेने को सही ठहराने में असमर्थ होने के कारण वह मना कर देती है। खाली घर में फोन की घंटी बजती और मदीना जवाब देती है। वॉल्फ की पार्टनर जिसे लिविंग रिबोटिक्स के बारे में एक टिप देती है। वॉल्फ लेमर की हवेली में जाता है जहाँ हिटमैन की एक टीम इंतजार कर रही है। वह अंदर अपने तरीके से लड़ता है लेकिन अपने भाई ब्रेस्टिसो को पाकर चौंक जाता है जो लेमर की रक्षा कर रहा है। भाई लड़ते हैं और फिर मेल मिलाप करते हैं और बाद में लेमर प्रकट होता है और अपने आपराधिक कार्य को सही ठहरने की कोशिश करता है। क्रिश्चियन लेमर को मारता है और जाने से एक हफ्ते पहले ब्रिस्टमैन को से मिलने की व्यवस्था करता है। माता पिता का एक को समूह हार्बर्स न्यूरोसाइंस का दौरा करता है जो क्लिनिक के निदेशक के बेटी जस्टिन से मिलते हैं जो वॉल्फ के साथी होने का खुलासा करता है। मदीना वॉल्फ के संपर्क के रूप में अपनी नई भूमिका स्वीकार करती है और लिविंग रिबोटिक्स में ट्रेसरी जांच पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है दाना को डॉग्स प्लेइंग पॉमर की एक फेमयुक्त प्रति प्राप्त होती है लेकिन इसके नीचे छिपी एक मूल वैक्सीन पोलर पॉन्टिंग का पता चलता है। अंतिम दृश्य में वॉल्फ कोटी के अपने एयर स्ट्रीम के साथ एक नए शहर की ओर जाते हुए दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। क्रिश्चियन वॉल्फ द अकाउंटेंट के रूप में बेन एफ्लेक के ऑप्टिस्टिक व्यक्ति जो एक अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता है जो कहता है कि उसके पास हाई फिक्सिंग ऑटिक्स है जो दुनिया में कुछ सबसे खतरनाक अपराधों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। सेंटली यंग क्रिश के रूप में अन्ना केड्रिक दाना क्रॉसिंग्स के रूप में लिविंग रोबोटिक्स के साथ लेखाकार जो अपनी पुस्तकों के साथ अनियमितताओं को नोटिस करता है। रिमंड रेकिंग के रूप में जीके सीम्स ट्रेजरी विभाग के फिनसन के निदेशक किंग के विरोध तक एक स्टेक आउट पर मिलने के बाद द अकाउंटेंट से मिले सुरागों के आधार पर कैरियर बनाना। ब्रेक ईस्टर्न वॉल्फ ईसाई के भाई के रूप में जॉन बर्थनोल एफ वह हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए फिक्चर्स के रूप में काम करते हैं जो एक सुरक्षा कंपनी संचालित करता है। जेरिक प्रेक्सिको संग बेक्स्टन के रूप में मैरीबेथ मदीना के रूप में सिंधिया एडॉय रॉबिन्स एक युवा ट्रेजरी एजेंट जिसे द अकाउंटेंट की वास्तविक पहचान खोजने का काम सौंपा गया है। जेफरी टैबोर फ्रांसिस सिक्वरबर्ग के रूप में माफिया के लिए एक पूर्व मुनीम वह द अकाउंटेंट को प्रशिक्षित करता है कि जब वे एक साथ कहते तो धन को कैसे लूटा गया। लिविंग रोबोटिक्स के सीईओ लेमर ब्लैकबॉर्न के रूप में जॉन लेते वो रीटा ब्लैकबॉर्न के रूप में जीन स्मार्ट लेमर की बहन जो पुस्तकों की कहानी का निरीक्षण करने के लिए वॉल्फ को काम पर रखती है। द चिल्ड्रन के रूप में एंड्री द अकाउंटेंट 2016 मूवी के फैक्टर रिव्यूज द अकाउंटेंट 2016 की एक अमेरिकी एक्शन स्टेलर फिल्म है। कोविनो ओनर्स द्वारा निर्देशित बिल डब्यूक द्वारा निर्देशित और लिखित बेन फ्लेक्सी अन्ना केड्रिक जेके सिम्स जॉन बर्थमल सिंथिया एडॉय रॉबिन्स से फ्री टैम्बोर और अभिनीत सोन लेते हुए कहानी क्रिश्चियन्स वॉल्फ का अनुसरण करती है जो उच्च कार्यशील आत्म केंद्रित के साथ एक प्रामाणिक सार्वजनिक लेखाकार है जो अपने जीवन को दुनिया भर में आपराधिक और आतंकवादी संगठनों को पुस्तकों को कच्चा बनाता है जो अनुभव कर रहे हैं आंतरिक कवर। इस फिल्म के निर्देशक हैं गोविन ओकानर। यह फिल्म बिल डेब्यूक द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है लीनेट हॉवेल टेलर मार्क विलियम्स ने
और इस फिल्म में अभिनय किया है बेन अफ्लेक, अन्ना केंद्रीविक, जीके सिमोस, जोन बर्नथल, जेफरी टेम्बोर, जोन लिथिगो। इस फिल्म में छायाकान किया है शीमस मैकॉर्वे। यह फिल्म संपादित है रिचर्ड पियर्सन्स के लिए। इस फिल्म को संगीत दिया है मार्क इशम्स ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां इलेक्ट्रिक सिटी एंटरटेनमेंट्स, रेड पेक ड्यून एंटरटेनमेंट्स, शून्य गुरुत्वाकर्षण प्रबंधक हैं। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 16 अक्टूबर 2016 रहा है। 14 अक्टूबर 2016 अमरीकी राज्य में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 128 मिनट्स रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हिट की गई है। ये भाषा से अंग्रेजी में इस फिल्म का बजट 44 मिलियन रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इसका बजट 155.2 मिलियन रहा है। 10 अक्टूबर 2016 को लॉस एंजेलिस में द अकाउंटेंट का प्रीमियर हुआ है, जो 14 अक्टूबर 2016 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटक के रूप से रिलीज किया गया है। आलोचनाओं से मिश्री समीक्षा प्राप्त करते हुए फिल्म ने दुनिया भर में 155 मिलियन की कमाई की है, जिससे एफलेक के प्रदर्शन को एक इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट टेक्निक सिलॉट की विशेषता वाले एक्शन स्टार्स के लिए प्रशंसा मिली है। क्रिश्चियन वॉल्फ एंड युवा ऑप्टिस्टिक व्यक्ति है। उसकी मां उसे एक उपचार केंद्र हार्बर्स न्यूरोसाइंस में भेजना चाहती है, लेकिन उसके पिता उससे सहमत नहीं है। ईसाई की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ उसकी माँ अपने परिवार को छोड़ देती है। उसके पिता ने उन्हें और उनके भाई बेक्सटन की विभिन्न मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। साथ ही ईसाई को खुद को प्रोत्साहन देने वाले के लिए प्रोत्साहित किया, जो उसे टालने के बजाय ट्रिगर करता है। वर्तमान में क्रिश्चियंस प्लैनफील्ड एनिलॉइस में एक छोटा लेखा कार्यालय संचालित करता है, जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम के लिए फ्रंट के रूप में कार्य करता है। उनके अपराधी ग्राहक एक इनाम महिला के माध्यम से उनके संपर्क करते हैं, जो अपने व्यवसाय का आयोजन भी करती हैं। कंपनी के सीईओ ब्लैक लेमर्स तो अपनी बहन रीटा को लेखांकन अनियमितताओं के बारे में पता चलने के बाद क्रिश को फॉर लिविंग रोबोटिक्स पर आर्बिट्रेट करने के लिए काम पर रखा गया है। वे इन हाउस अकाउंटेंट टाइना कांग्रेस को वोल्ट की सहायता करने के लिए नियुक्त करते हैं, क्योंकि उसने इस मुद्दे की खोज की है। इस बीच ट्रेजरी के निदेशक रे किंग मेरी बेथ मदीना नाम के एक डेटा विश्लेषण से मिलते हैं, जिसका एक किशोर के रूप में आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन वह अपने रोजगार आवेदन पर उसका खुलासा करने में विफल रही है। रासा मदीना को चेतावनी देता है कि अगर तुम जानकारी प्रकट करने का विकल्प चुन लेते हो तो उसे जेल का सामना करना पड़ेगा, और उस समय कुछ महीनों में राजा से सेवानिवृत्त होने से पहले वोल्फ को वास्तविक पहचान खोजने का कार्य सौंपता है। वोल्फ के कार्यालय का पता लगाने के लिए वह टैक्स रिकॉर्ड के पास किंग ऑफ प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करती है। वोल्फ एक रात में कंपनी के एक दशक से अधिक वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करता है और पाता है कि 61 मिलियन का गबन किया गया है। वह रीटा को पूरी बात बताता है, लेकिन स्वीकार करता है कि वह जानता है कि चोर कौन है। उस रात लिविंग रोबोटिक्स के सीएफओ एड चिल्टन को एक हिटमैन ने अपने इंसुलिन की अधिक मात्रा देने के लिए मजबूर किया। अगले दिन लेमर ऑडिट के लिए वोल्फ को अपने अनुबंध के बाकी पैसों का भुगतान करता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। हिटमैन वोल्फ को मारने का प्रयास करता है, लेकिन वह उन्हें आसानी से अपने अधीन कर लेता है। एक से पता चलता है कि दाना अगला लक्ष्य है। वह दाना के अपॉइंटमेंट में समय पर पहुंचता है ताकि अधिक हिटमैन उसे मारने से रोक सके। वह उसे अपनी भंडारण इकाई में ले जाता है, जिसमें
कला कीर्ति की कीमती सामान से भरा एक एयर स्ट्रीम मनोरंजन वाहन होता है जिसे उसके भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके बाद वह दाना को एक महंगे होटल में छिपा देता है और रीटा से भिड़ने जाता है, लेकिन उसकी हत्या पाता है जिससे उसे संदेह होता है कि लेमत चोर है। कि मदीना और एजेंटों के एक समूह में वॉल्फ के घर की तलाशी ली है। बाकी सभी के चले जाने के बाद राजा मदीना को बताता है कि वॉल्फ